मैं किरण बुत एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड कोऑर्डिनेटर उन्नत भारत अभियान जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जोधपुर से आपका इस नेशनल वेबिनार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी JIET राजस्थान में इंजीनियरिंग और प्रबंधन का एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो 2003 में अपनी स्थापना के ठीक बाद से युवा जिज्ञासु दिमाग में तकनीकी और वैज्ञानिक साक्षरता और स्वभाव को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। बहु अनुशासनात्मक परिसर राजस्थान में JIET एक भरोसेमंद नाम है क्योंकि यह संसाधनों की उपलब्धता के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के कई अवसर प्रदान करता है। संस्थान को AICTE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त है और बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीकानेर से यह संबंध है। यह पश्चिमी राजस्थान का एकमात्र इंजीनियरिंग संस्थान है जिसके पास 2011 के बाद से लगातार 3 बार 4 अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रम में NBA प्रत्यायन है। इसके अलावा JIET NAC द्वारा ए ग्रेड से मान्यता प्राप्त राजस्थान का एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज है। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी द्वारा सत्र 2018-19 और 2019-20 लगातार 2 बार JIET को राज्य में फर्स्ट रैंक QIV रैंक से सम्मानित किया गया है। संस्थान के पास धारा 2F के तहत UGC मान्यता भी प्राप्त है। संस्थान यह 6 अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रम तथा 5 पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रम चलाता है। JIET 4 विषयों में विश्वविद्यालय का स्वीकृत अनुसंसाधन केंद्र भी है। अब मैं आपको मिलवाना चाहूंगी हमारे पहले विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार विजय सर से। नमस्कार जी। ये IREDA चेयर प्रोफेसर ग्रामीण विकास और प्रौद्योगिकी केंद्र IIT दिल्ली में कार्यरत है। प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार विजय सक्रिय रूप से ग्रामीण समुदायों को विकसित करने के लिए ग्रामीण ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अत्याधुनिक अनुसंसाधन में लगे हुए हैं और इन्होंने अनुसंसाधन और शिक्षा के माध्यम से शिक्षा उद्योग और समाज में एक महान योगदान दिया है। वह गांवों में स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों में एक स्थायी ऊर्जा आपूर्ति के लिए भी काम कर रहे हैं। प्रोफेसर विजय का काम बायोगैस तकनीकी पर आधारित है, विशेष रूप से बायोगैस अपग्रेडेशन को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है। वह सरकार के 2 प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों के राष्ट्रीय समन्वयक भी है, उन्नत भारत अभियान जिसका उद्देश्य देश के ज्ञान संस्थानों का उपयोग कर अनुसंधान विकास के माध्यम से उनके विकास और वैज्ञानिक उपयोग में गांव की मदद करना है, स्वदेशी गाय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पंचगव्य से प्रमुख उत्पाद महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सत्यापन और अनुसंधान द्वारा समर्थित गाय आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहाल करने में भी मदद कर रहे हैं। इन्होंने लगभग 150 से अधिक रिसर्च पेपर, 1 लैब मैनुअल, 7 किताबें प्रकाशित की हैं। प्रोफेसर विजय ने सफलतापूर्वक वाहन विकास के लिए बायोगैस संवर्धन और बॉटलिंग का विकास किया है और उसे उद्योगों और अन्य फील्ड में स्थानांतरित भी किया है। वह बायोगैस फोरम के महासचिव तथा एशिया में काम करने वाले और जापान में हेडक्वार्टर वाले सतत ऊर्जा और पर्यावरण फोरम में भारतीय समन्वयक भी है। प्रोफेसर विजय को ग्रामीण क्षेत्र के लिए बायोगैस संवर्धन और बॉटलिंग तकनीक विकसित करने के लिए 2005 में प्राकृति भारती राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। उन्होंने जुलाई 2015 से सितंबर 2019 तक CRDT IIT दिल्ली का नेतृत्व भी किया है। इनके रुचि के क्षेत्र ग्रामीण ऊर्जा प्रणाली, ग्रीन बायो एनर्जी सिस्टम और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवेदन, बायोगैस उत्पादन उन्नयन और मूल्यांकन, पंचगव्य और उसके उत्पाद, सतत ग्रामीण औद्योगिकीकरण, पशु शक्ति एवं ग्रामीण ऊर्जा योजना और प्रबंधन है।
अब मैं आपसे मिलवाती हूँ हमारे दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप सिंह सर से। डॉक्टर कुलदीप सिंह सर ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से अपना MBBS और MD बालरोग में तथा संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लखनऊ से मेडिकल जेनेटिक्स में DM पूरा किया है और पेशेवर विकास के लिए नवीन शैक्षिक प्रौद्योगिकी विकसित करने में शामिल है। वर्तमान में एम्स जोधपुर में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में डीन एकेडेमिक्स एंड एकेडेमिक हेड के रूप में काम करते हुए मेडिकल शिक्षा प्रौद्योगिकी के लिए MCI नामित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के लिए सह संयोजक के रूप में चिकित्सा सेवा का पोषण कर रहे हैं। उन्हें फेमर फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सिंह एनल्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस NJMS और IJGMR जर्नल के समीक्षक एवं एसोसिएट एडिटर भी है। राजस्थान में मॉडल ग्रामीण शास्त्र अनुसंधान इकाई जयपुर के लिए अनुसंधान सलाहकार समिति के सदस्य एवं स्टेट रेयर डिसऑर्डर कमिटी के भी सदस्य हैं। ग्रैंड चैलेंज कनाडा द्वारा किशोर यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर एक परियोजना के हिस्से के रूप में डॉक्टर सिंह ने हमारे समाज की स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा की जरूरतों का व्यापक अध्ययन भी किया है। डॉक्टर सिंह को भारत स्वीडिश इनोवेशन हब के लिए परिषद सदस्य भी नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सिंह को नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस ने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए श्यामलाल सक्सेना अवार्ड से सम्मानित किया है। इन्होंने स्वेट क्लोराइड टेस्टिंग के लिए उपकरण भी विकसित किया है। इन्होंने 62 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं तथा कई पेपर्स के लिए इन्हें बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन के लिए अवार्ड भी मिल चुके हैं। इन्होंने 10 पुस्तक अध्याय लिखे हैं और 7 रिसर्च प्रोजेक्ट इनके अंडर में अभी चल रहे हैं। आज के वेबिनार के तीसरे विशेषज्ञ हैं इंजीनियर नवनीत अग्रवाल सर, जिन्होंने BE इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम में और बिजनेस मार्केटिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इन्होंने लगभग 4.5 साल तक एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है। इन्होंने राजस्थान और इनके आसपास के कई शिक्षण संस्थानों में तकनीकी सलाहकार के रूप में भी काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासनिक अनुभव प्राप्त करने के बाद इन्होंने वर्ष 2003 में जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जीत समूह के संस्थानों के प्रमुख कॉलेज की स्थापना की थी। ही इज अ मैन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वेंचर्ड इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। अब मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार विजय सर को इस वेबिनार की शुरुआत करने के लिए अनुरोध करती हूँ। नमस्कार, आवाज आ रही है? हाँ सर। जी जी, तो JIT ग्रुप के चेयरमैन एंड डायरेक्टर जनरल नवनीत अग्रवाल जी, एम्स जोधपुर के डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, इस कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर किरण भूत जी एवं इस वेबिनार में भाग लेने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स गण, मुझे बड़ा हर्ष है कि हमारे देश के कॉलेज जोधपुर के इस JIT ने लोगों को अवेयर करने के लिए, कोरोना के बारे में जानकारी के लिए, और जो ये गांव में काम कर रहे हैं उन गांव के लोगों को और समझाने के लिए इस तरह के वेबिनार का आयोजन किया है। ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। इस तरह हमारा जो विजन है उन्नत भारत अभियान का, कि हम किस तरह से हमारे देश के लिए, हमारे गाँव के लिए, हमारे समाज के लिए काम करें, उसमें ये एक फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं पूरे जो हमारे देश का कार्यक्रम है, जो मंत्रालय भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वो एक ही कार्यक्रम चलाते हैं, उन्नत भारत अभियान। उन्नत भारत अभियान की शुरुआत इस तरह से हुई कि हम लोग IIT में एक केंद्र या डिपार्टमेंट चलाते हैं, भारत, ये उसका नाम है ग्रामीण विकास एवं प्रौद्योगिकी केंद्र। तो हम पिछले 25-30-40 सालों से गांव में, ट्राइबल एरियाज में लोगों के साथ काम कर रहे थे,
जनरली आईआईटीज लोगों के साथ काम नहीं करता, जनरली आईआईटीज के स्टूडेंट्स अमेरिका या यूरोप चले जाते हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज चले जाते हैं, वो लोग इंडिया के लिए बहुत कम काम करते थे। तो ये अनुभव में आया कि जो आईआईटीज हैं, जो जो इलाइट इंस्टीट्यूट्स हैं इस देश के, ये पूरे समाज, यहाँ के फैकल्टी को, यहाँ की लेबोरेटरीज को, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार पैसा देती है, आम आदमी पैसा देता है, तो वो भारत के लिए काम करना चाहिए, न कि अमेरिका के लिए काम करना चाहिए। पिछले 50 साल से अगर देखें हमारे आईआईटी को, आईआईटीज को, तो ज्यादातर बच्चे हमारे अमेरिका में चले जाते थे और वहाँ उनकी सेवाएं देते थे, अमेरिका को अपनी सेवाएं देते थे। अमेरिका की पार्लियामेंट ने, अमेरिका की सेनेट ने रिकॉग्नाइज किया कि आईआईटीज के कंट्रीब्यूशन की वजह से अमेरिका बहुत लाभान्वित हुआ और उसने प्रोग्रेस किया। सीनेट में एक रिजोल्यूशन पास हुआ अमेरिका के, भारत की संसद ने तो कभी ये पास नहीं किया कि आईआईटीज के लोगों ने भारत के लिए बहुत बड़ा काम किया है। ब्रांड नेम है आईआईटी, मगर आईआईटी हमारे देश के लिए काम कर रहा हो ऐसा नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा, जब मोदी जी की गवर्नमेंट बनी 2014 में, तो हमने सोचा कि ये जो हमारा एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है, इसको हमको कुछ ना कुछ बदलना चाहिए। इस तरह से होना चाहिए कि सारे जो एकेडमिक कॉलेजेज हैं वो हमारे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, गांव के लिए काम करें। आज भी हमारा देश गांव में बसता है। आप देखिए कि लगभग 7 लाख के लगभग गांव हैं। अगर शहर काउंट करें तो आप बहुत लिमिटेड नंबर है उसका, जैसे कि 10 मेट्रो हो गए, 750 डिस्ट्रिक्ट हो गए, 1000 के लगभग मान लीजिए आपकी जो, जिनको शहरों की स्थिति आप कह सकते हैं। और अगर कस्बों को भी मिला लें, तहसीलों को भी मिला लें, तो सब मिला के 5000 का नंबर आता है। तो 5000 कस्बे और शहर हैं और दूसरी तरफ 7 लाख गांव हैं देश में। मतलब अभी भी 68% पॉपुलेशन गांव में रहती है। तो इस देश की आत्मा है वो गांव में बसती है। इसलिए हमको हमारी संस्थाओं को, हमारे कॉलेजेस को, हमारे एकेडमिक प्रोग्राम्स को गांव के बारे में नहीं सोचेंगे, गांव के बारे में काम नहीं करेंगे, गांव का विकास नहीं करेंगे, तो फिर इस देश का विकास नहीं हो सकता, ऐसी हमारी मान्यता थी। तो हमने ये सब करके 2014 सितंबर में एक कार्यक्रम बनाया कि जो देश भर में आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, डीआरडीओ, सीएसआईआर लैब्स, उसमें जो बड़े साइंटिस्ट हैं उनको बुलाएं, जो गांव की टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, गांवों के लिए काम करते हैं, और जो गांव में एनजीओज हैं, सरपंच हैं, गांव के लोग हैं, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको भी बुलाएं जो सीधा सीधा गांव में काम करते हैं, और उन सबको साथ बैठाएं कि देखिए आप टेक्नोलॉजी डेवलपर हैं, वो टेक्नोलॉजी यूजर हैं, दोनों का तालमेल जब तक नहीं होगा तो सही मायने में चीजें जमीन पर नहीं पहुंचेंगी। तो इस डेलीब्रेशन के लिए हमने एक वर्कशॉप का आयोजन किया और उस वर्कशॉप का नाम हमने रखा उन्नत भारत अभियान आईआईटी दिल्ली में। और फिर जब, क्योंकि हम लोग पूरे देश के लेवल पे ये बड़ा कार्यक्रम कर रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इसमें जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं उनके लोगों को भी बुलाया जाए। तो हमने 4 मंत्रियों को उसमें बुलाया, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और हमारा मानव विकास संसाधन मंत्री। तो जब वो आई, मानव संसाधन विकास मंत्री उद्घाटन सत्र में आई, और रूरल डेवलपमेंट, ये 4 मंत्रियों को हमने बुलाया उसमें। तो स्मृति ईरानी जी तब मिनिस्टर थी, जब हमने उनको समझाया भाई इस तरह का हमने कार्यक्रम रखा है और ये कार्यक्रम है, तो बोला कि ये तो बहुत ही अच्छा प्रयोग है और बहुत ही अच्छा है, तो ये तो खाली आईआईटी दिल्ली इसको पूरे देश के लिए कैसे कर सकता है, इसको तो हमारे मंत्रालय को, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय देश में, जिसकी जिम्मेदारी है कि एकेडमिक प्रोग्राम्स पूरे गांव के लिए, पूरे समाज के लिए काम करे, वो तो मेरे मंत्रालय को ये करना चाहिए और मैं तो इसको, तो उद्घाटन सत्र में ही उन्होंने अनाउंस किया कि इसको मैं एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाऊंगी और पूरे देश में इसको फैलाया जाएगा और पूरे देश की सारी कॉलेजेज, सारी हायर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन गाँव के लिए काम करेंगी। तो ये उन्होंने उद्घाटन सत्र में कह दिया और वो जब उद्घाटन करके वापस मंत्रालय गई, सेक्रेटरी को बोला कि आप जाके आईआईटी दिल्ली जाइए, वहाँ लोगों से, जिन लोग ये बना रहे हैं उनसे डिस्कस करिए और इसको मंत्रालय के माध्यम से लॉन्च करिए। तो राष्ट्रपति जी ने 2014 में ही नवंबर में, 2 महीने बाद ही ये पूरा प्रोग्राम बना, स्कीम के रूप में लॉन्च हुआ, राष्ट्रपति जी ने इसको लॉन्च किया। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज देश भर में लगभग 2600 कॉलेजेज में लगभग 14,500 गांव जिन्होंने अडॉप्ट किए हैं उसमें ये कार्यक्रम चल रहा है। और अभी करीब 1 महीने पहले ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय मंत्री जी ने हमको बुलाया कि देखिए प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा ये है कि ये कार्यक्रम अगले 5 साल में इस तरह से हो
कि देश का कोई भी गांव बिना किसी कॉलेज या कनेक्ट हुए बिना नहीं रहे। मतलब सीधा सीधा हमारे जो विद्यार्थी हैं जो कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनका लगाव उनका जुड़ाव भी किसी न किसी गांव के साथ हो और वो कुछ करके दिखाएं। खाली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टर और कलेक्टर की मशीनरी कुछ करे, सरकार कुछ करे, उसके साथ साथ हमारे स्टूडेंट्स हमारे फैकल्टी मेंबर्स वो उसके लिए भी काम करें। उससे हमारे एकेडमिक प्रोग्राम स्ट्रेंथन होंगे, वो एनरिच होंगे। उससे खाली गांव को फायदा नहीं है, उससे हमारे विद्यार्थियों को हमारे फैकल्टी मेंबर्स को भी फायदा है कि वो जो जमीन से जुड़ी हुई जो विजडम है, जो हमारी ट्रेडिशनल विजडम है, जो उनकी प्रैक्टिकल विजडम है लोगों की, उनको सीखेंगे। तो खाली किताब जो पढ़ रहे हैं, किताबी ज्ञान जो वो कर रहे हैं प्राप्त कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनको वो नॉलेज भी आएगी जो कि समाज के अंदर है और इसको लेके ही वो उसको आगे करेंगे। तो ये सारे गांव वालों ने स्वीकार किया, मंत्रालय ने स्वीकार किया है, तो AICT और UGC भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और UGC ने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि हमारी एकेडमिक सिस्टम को, हमारी डिग्री प्रोग्राम्स को सोसाइटी के साथ जुड़ना चाहिए, समाज के साथ जुड़ना चाहिए। तो उन्होंने अभी एक कंपलसरी कोर्स अप्रूव कर दिया है UGC ने और अगले सेशन से वो शुरू होने वाला है, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये 2 क्रेडिट का कोर्स होगा, उसमें हर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट किसी न किसी उनके जो एडोप्टेड विलेजेज हैं वहाँ पर जाएंगे, लोगों के साथ काम बातचीत करेंगे, रियल लाइफ चैलेंजेज क्या हैं उनको समझेंगे, उनकी ट्रेडिशनल विजडम क्या है उनको समझेंगे, उनको जो नॉलेज है, स्टूडेंट्स को जो नॉलेज है, फैकल्टी का जो नॉलेज है, जो मॉडर्न सिस्टम की नॉलेज है वो वहाँ देंगे, और उन जो ट्रेडिशनल विजडम गाँव में है, लोगों में है, उसको वो प्राप्त करेंगे। और इससे दोनों तरफ से फायदा है, हमारे स्टूडेंट्स को फायदा है, हमारी फैकल्टी को फायदा है, और हमारे गांव वालों को फायदा है कि उनके डेवलपमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हमारे कॉलेजेस भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड मैंने आपको उन्नत भारत अभियान का दिया, परंतु जो आज परिस्थिति पैदा हुई है पूरे देश में कि आप देखिए कि कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे स्पेन हो, चाहे इटली हो, चाहे ब्राजील हो, इंडिया हो, रूस हो, हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया में इस लेवल पे पहुंच गए थे, हम चांद पे जा सकते हैं, हम मंगल पे जा सकते हैं, हम न्यूक्लियर विस्फोट कर सकते हैं, हम एटम बना सकते हैं, हम कंप्यूटर कर सकते हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग कर रहे हैं, हम लोग मशीन लर्निंग कर रहे हैं, मगर एक छोटे से वायरस ने, एक टीनी वायरस ने जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, उन्होंने पूरी दुनिया को बंद कर दिया अपने घरों में। आप देखिए कि कोई भी आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता क्योंकि उसको लगता है कि अगर कहीं किसी के भी पास में चला गया वो जो कोरोना से अफेक्टेड है तो उसके अफेक्शन आ सकता है उसका। इसका मतलब यह है कि नेचर इज मोर पावरफुल देन द ह्यूमन बींग्स, नेचर इज मोर पावरफुल देन आवर टेक्नोलॉजी, नेचर इज मोर पावरफुल देन द मैन मेड सिस्टम्स। हमको इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी तक हम लोग क्या समझ रहे थे पिछले 100 साल में 200 साल में कि हाँ वी आर हैविंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वी आर हैविंग आर डेवलपमेंट थिंग्स और वी आर मोर पावरफुल। तो उनको एक झटके में एक छोटे से वायरस ने बता दिया कि तुम्हारी हकीकत क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है। और चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, चाहे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चाइना का प्रेसिडेंट हो, या आम आदमी हो, या चीफ मिनिस्टर हो, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, सब उसमें बराबर हैं। और कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी के साथ हाथ मिलाने के लिए, गले लगने के लिए आज मिलना नहीं चाहता, कतराता है। मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली में बाहर जो सारे मार्केट खुल गए हैं और वो सारे मार्केट दुकानदार जैसे बैठे हैं कि हमारे कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। ग्राहक इससे नहीं आ रहा कि वो उसको मजबूरी है, वही वो चीज़ खरीद रहा है, आम अपनी जरूरत की चीज़ को भी वो नहीं खरीद रहा। मतलब हमें इस जो संकट आया है पूरी दुनिया पे, इसका हमको ध्यान रख के इसमें वो सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे पालन करके हम अपने आप को सुरक्षित कर सकें, हम अपने अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी जब भी राष्ट्र को संबोधित करते हैं 3-4 बातें वो कहते हैं। मेडिकल डॉक्टर्स का जो पैनल सब टीवी चैनलों पर आजकल बातचीत करता है वो 3-4 बात कहते हैं। कोई भी एक्सपर्ट हैं, दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं, वो भी जब बात करते हैं भाई कोरोना से सावधानी में आपको क्या करना चाहिए, तो कोरोना के सावधानी में 3 मूल मंत्र आप समझ लीजिए जो सबके लिए जरूरी हैं और सबको पालन करना चाहिए कि हमें 3 गज की दूरी
किसी के भी नजदीक नहीं जाना, चाहे वो ये मत सोचिए कि कोरोना से प्रभावित है या नहीं है। तो 2 गज की दूरी आप मेंटेन करेंगे तो आप अपने आप को बचाने में बहुत सकुशल हो सकते हैं। उसके बाद में उसके बाद हमें अपने चेहरे पे हमेशा मास्क लगा के, जब भी बाहर जाएं, जब भी कुछ काम करें, हमेशा चेहरे पे मास्क लगाना चाहिए। मास्क लगाने, मास्क की जो है वो आप तो मास्क की कैटेगरी कुछ भी हो सकती है, N95 हो सकता है या कपड़े का हो सकता है, जो IIT दिल्ली ने भी बहुत सारी कवच बनाए मास्क टाइप के, कई सारी एजेंसियां, कई सारी कंपनियां मास्क बना रही है। उसका मतलब यह है कि आपको अपने चेहरे का प्रोटेक्शन करना है, आपकी जो खांसी आती है, छींक आती है तो आपके स्प्रेड नहीं करे वो, और दूसरे का कोई अगर मान लो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ तो छींक आती है उसको या खांसी आती है तो उसके मॉलिक्यूल्स भी आपके अंदर नहीं जाएं, इन काम को बचाव करना है। तीसरा जो है वो है बार बार हाथ धोना। हाथ धोने का मतलब ये है कि जो कोरोना वायरस है वो फैटी इन नेचर है, तो आप जब साबुन से कोई भी चीज़ हाथ धोएंगे तो वो उसमें डाइल्यूट हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो ये 3 ऐसे मूल मंत्र हैं, महामंत्र हैं, जिनको हमको हमेशा कोरोना से बचाव के लिए ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जब तक हमको जरूरी नहीं है अपने घर से बाहर ना जाएं, कोई जरूरी काम है तभी आप बाहर जाएं, तभी लोगों से मिलें, तभी कोई काम करें। तो इन सब बातों का अगर हम सब लोग ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से हम कोरोना की जो प्रोग्रेस है, जो आगे इतना बढ़ रहा है, उसको बचा पाएंगे और आगे इससे हम संक्रमित कम से कम होते जाएंगे। अब देखिए, जिन देशों में सबसे ज्यादा आगे बढ़ा, आप एक उदाहरण ले सकते हैं इटली का, एक उदाहरण ले सकते हैं स्पेन का। चाइना के बाद सबसे ज्यादा जो फैला वो इटली में फैला और उसके बाद स्पेन में फैला। आज इटली और स्पेन में ये बहुत कंट्रोल में है, लोगों में इतनी जागरूकता आ गई है कि वो बिना मास्क लगाए नहीं जाते, हर थोड़ी सी देर में हाथ धोते हैं और साथ में जब कोई जरूरी काम है तभी वो बाहर जाते हैं, और किसी बाहर भी जाते हैं, किसी से मिलते भी हैं तो कम से कम जो 2 गज की दूरी वाली बात है उसको फॉलो करते हैं। तो जब तक हम सेल्फ डिसिप्लिन में रहेंगे, जब तक हम पूरी सावधानी बरतेंगे, तो कोई हिम्मत नहीं कि चाहे कोरोना हो चाहे कोई भी हो आपको प्रभावित कर सके। तो अपने आप को बचाना, अपने परिवार को बचाना, इस सब के लिए ये जरूरी है कि हम लोग इस संक्रमित काल में, इसका किसी को पता नहीं है कि कितने टाइम में ये ठीक हो जाएगा, अगले 15 दिन लगेंगे, 1 महीना लगेगा या 3 महीने लगेंगे या 6 महीने लगेंगे, कोई जानकारी नहीं है। इसकी वैक्सीन कब तक बन जाएगी इसकी भी कोई कंफर्म नहीं कर सकता, इसकी दवाई कब तक आ जाएगी इसका भी हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपना बचाव, अपनी सावधानी आपको अपने आप रखनी है, और अगर ये सब जो मूल मंत्र हैं इसके हम फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को बचा पाएंगे, अपने परिवार को बचा पाएंगे, अपने समाज को बचा पाएंगे, अपने गांव को बचा पाएंगे। तो मुझे इस अवसर पर और कोई बात ज़्यादा नहीं करनी है, आप सब अपना बचाव खुद करें, इसमें न तो कोई सरकार सहायता कर सकती है, न कोई पैसा कोई सहायता कर सकता है, न कोई और इसमें मदद कर सकती है। आपका बचाव आपके हाथ में है और आप स्वयं ही उसके जिम्मेदार हैं। तो अगर हम सब इस भावना के साथ में इस काम को आगे बढ़ाएंगे, इसका ध्यान रखेंगे, तो हम संक्रमण से बचेंगे और पूरा देश, समाज, शहर, गांव सब सुरक्षित रहेंगे। तो मुझे, क्योंकि हमारे साथ में हमारे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर प्रोफेसर भी हैं, तो वो और ज़्यादा विस्तार से बता पाएंगे कि इसमें हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। पर मैं एक बात और करना चाहता हूँ, जो उन्नत भारत के हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, हमारे जो कॉलेजेज हैं, जो जिन्होंने जो गांव एडॉप्ट किए हैं, कि जो शहरों से वापस गांव में पहुंच गए लोग, आप देखिए कि पिछले 50 साल में जो माइग्रेशन हुआ वो गांव से शहर की तरफ हुआ, क्योंकि गांव में रोजगार नहीं थे, खेती जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं रही, और हर आदमी जो भी हमारे आर्टिजन्स थे, जो हमारे मजदूर लोग थे, कारीगर थे, उनका धीरे 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 सिस्टम खत्म हो गया और पूरी दुनिया में मास प्रोडक्शन सिस्टम आ गया, प्रोडक्शन भाई मासेज धीरे धीरे खत्म हो गया। गांधी जी ने कहा था जब आज़ाद हम हो रहे थे कि अगर इस देश को वास्तव में आज़ाद होना है तो हमारे गांव को ग्राम स्वराज चाहिए। मतलब आप, इसका मतलब ये था कि गांव में वो सारी सुविधाएं, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो गांव के लिए आवश्यक हैं, और वहाँ की सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। हम
काउ बेस्ड इकोनॉमी, बायो इकोनॉमी, आज ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। पूरी दुनिया में ग्रीन हाउस गैस एमिशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, पर्यावरण प्रदूषित हो गया, क्लाइमेट चेंज हो रही है, तो उसमें सब बात कर रहे हैं अब ग्रीन टेक्नोलॉजी, बायो इकोनॉमी, बायो एनर्जी और क्लोज सर्किल इकोनॉमी की बात करते हैं। वो वही बातें हैं जो हम ट्रेडिशनली इंडियन सिस्टम में फॉलो करते आ रहे थे। तो हमें अभी आज हमें वापस जब शहरों से वापस गांव आ गए हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग वापस शहर नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि वहां जाके तो वो झुग्गी झोंपड़ी में रहने की जो स्थिति है वो बड़ी विषम स्थिति है। वहां पे भीड़ भाड़ में रहना पड़ेगा, वहां पे बहुत जल्दी संक्रमण हो सकता है। तो कई सारे लोग जो शहरों से वापस गांव पहुंच गए हैं, उनमें से आधे लोग वापस शहर नहीं आएंगे लौट के। वो चाहेंगे कि गांव में उनकी गुजारा बसरा हो जाए, उनको अच्छी इनकम का कोई साधन मिल जाए। तो हम लोगों ने अभी CSIR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ICR, इनके साथ मिलकर एक टेक्नोलॉजी कंपेंडियम हम बना रहे हैं जो गाँव के से संबंधित है, कि गाँव के लोग गाँव में ही रह के अपना रोजगार, अपना जीवन यापन कर सकें, उनको अच्छी इनकम हो सके। तो सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे हमारा देश आज के 300 साल पहले गांव आधारित देश था, और पूरी दुनिया जानती थी कि हम सोने की चिड़िया थे, इसलिए ब्रिटिशर्स, डच, पुर्तगीज, फ्रांसीसी वो इंडिया आए कि हमको इंडिया के साथ बिजनेस करना है, पैसा कमाना है। वी वर द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम इन 15th century। सारी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया होती थी कि वो सब लोग इम्पोर्ट करते थे हमारे से। हमारी ग्लोबल इकोनॉमी में शेयर था 1/3, एक तिहाई हमारा शेयर होता था ग्लोबल इकोनॉमी में। आज ग्लोबल इकोनॉमी में हमारा शेयर है 1%। हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, जबकि हमारे मैन पावर, हमारे जो कैपिटल है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उसकी कैपिटल ऐसी है कि अगर हम सब सोच लें तो अमेरिका पिछले 50 साल में क्यों तरक्की किया, क्योंकि हमारा ब्रेन ड्रेन हो गया, ज़्यादातर लोग जो IIT वाले सारे एम्स वाले वहाँ पहुँच गए वापस, अब वो अब नहीं जा रहे हैं, अब इंडिया में रह के इंडिया को डेवलप करने का काम कर सकते हैं। तो हमें इस मौके का फायदा उठा के वापस अपने गांव को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और जो रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ है उसको और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और वो तब होगा जब हम गांवों को वापस एम्पावर कर सकें, गाँव में भी वही फैसिलिटी कर पाएं जो शहरों में अवेलेबल है। जैसे यूरोप में है, वहाँ छोटे गाँव में भी वही सुविधाएँ हैं, वो साधन संसाधन उपलब्ध हैं जो बड़े शहरों में होते हैं। तो हम गाँव की स्थिति भी वापस वैसी बनाने की, और यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। उन्नत भारत का मतलब हमारे गाँव समृद्ध हों, तभी देश उन्नत होगा, तभी देश उन्नत भारत बनेगा। तो इसी अपेक्षा के साथ कि आप सब मिलकर वापस गाँव में उनको रोजगार का संसाधन, उनके लोगों को जीवन यापन सुदृढ़ हो पाए, उनकी अच्छी कमाई हो पाए, वो वापस शहर की तरफ अपना मुंह नहीं देखें, क्योंकि शहर भी अब रहने लायक स्थिति में नहीं रहे। दिल्ली में अगर थोड़ी दूर कहीं जाना है आपको, अगर 10 किलोमीटर भी जाना है तो आपको 1 घंटा लगता है, जबकि अगर 10 किलोमीटर किसी भी हाईवे पे या किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जाके रास्ता साफ है तो मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे। एयर पोल्यूशन इतना हो गया है, तो हमको इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपने जो गाँव हैं उनको ही एम्पावर करने पड़ेंगे, उन्हीं को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और इस कार्यक्रम का जो उन्नत भारत अभियान है उसका भी उद्देश्य यही है कि हमारे गाँव संपन्न बने, इसलिए हमारा देश संपन्न बनेगा। और इस कोरोना काल में COVID-19 के अफेक्ट के बाद में पूरी दुनिया ने मान लिया है कि हमारे को हर लेवल पे आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, चाहे वो गांव का लेवल हो, कस्बे का लेवल हो, शहर का लेवल हो, राज्य का लेवल हो, देश का लेवल हो। तो हमें किस तरह से हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, हमारे कॉलेजेस के माध्यम से उस सिस्टम को हम वापस ला पाएं जो कि ये कर सके कि हमारे गाँव सुसंपन्न बने, सुविधा संपन्न बने, और गांव के लोगों को पढ़ लिख के बाहर नहीं जाना पड़े। आज कोई भी इंजीनियर, कोई भी डॉक्टर पढ़ा लिखा वो गांव में रहना नहीं चाहता, क्योंकि गांव में वो शहर में रहता है। अब जैसे मैं एक बात करके अपनी बात खत्म करूंगा, दिल्ली में आप देखिए कि जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, IIT दिल्ली हमारा कैंपस है साउथ दिल्ली में जो पॉश इलाका कहलाता है दिल्ली का, हमारे सामने कैंपस के बाहर जो कॉलोनी है सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया है SDA, उसमें वहाँ पे करोड़पति नहीं अरबपति लोग रहते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि मकान ही करोड़ों के हैं उनके। तो वो लोग क्या करते हैं, हर शनिवार रविवार को अपने फार्म हाउस जो उन्होंने दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर बना रखे हैं, वहाँ चले जाते हैं। मैं पूछता हूँ उनको कई बार जब वो मिलते हैं कि भैया तुम हर शनिवार रविवार क्यों जाना चाहते हो अपने परिवार को लेके
तो बोले कि हम इसलिए जाना चाहते हैं कि दिल्ली में साफ हवा नहीं मिलती, साफ पानी नहीं मिलता, साफ सब्जी नहीं मिलती। मैंने कहा तुम दिल्ली हो, दिल्ली में रह के तुमने कमाया है और फिर दिल्ली छोड़ के तुम शनिवार रविवार को भाग जाते हो, ऐसा ये तो ठीक नहीं है। कि नहीं नहीं हमें हमारे बच्चों का ध्यान रखना है, हमें अपने परिवार का ध्यान रखना है, क्योंकि उनको हम हरी साफ सब्जी खिलाएंगे, साफ पानी पिलाएंगे, तो कम से कम 7 दिन में 2 दिन तो वो ठीक से रहें ताकि उनको शुद्ध चीज़ें मिल सकें। इसका मतलब ये है कि गांव हमारे अभी भी शुद्ध हैं, तो आने वाले टाइम में लोग बाग में अगर गांव में ही सब कुछ मिल जाएगा तो वो शहर आना ही नहीं चाहेंगे, और वो स्थिति हमको क्रिएट करनी है इस उन्नत भारत अभियान के माध्यम से कि वापस देश, वापस गांव हमारा संपन्न बन जाए, सुविधा संपन्न बन जाए, सारी सुविधाएं हों और वहां पे पढ़ने लिखे लोगों को भी काम करने की सारी आज़ादी रहे। कोविड ने ये फायदा करा दिया कि आज देखिए कि मैं अपने घर में अपने लैपटॉप पे बैठ के आपको एड्रेस कर रहा हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ। पिछले 3 महीने से हम लोग रोज कम से कम 3-4 वेबिनार हो रही है या मीटिंग हो रही है, वो सारा ऑनलाइन हो रहा है। तो आने वाले टाइम में हम चाहे वो गांव में रह के, गांव में भी अगर कनेक्टिविटी है, इंटरनेट पहुंच गया सब जगह, तो गांव में रह के वो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी हो गई है, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई है, बिजली आ गई है, तो कई चीज़ें हैं वो अच्छी हो गई हैं गांव में भी। तो उनका हमको फायदा लेके किस तरह से संसाधन और किस तरह से रोजगार का हम विकास कर पाएं, तो बहुत जल्दी ही हमारा देश की जो तमन्ना है कि हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए, हमारा देश अगले कुछ सालों में ही पूरी दुनिया में शीर्षस्थ देश बन जाए कि हाँ हम लोग करके दिखा सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, हमारी जो फिलोसोफी है वही पूरी देश के लिए, क्योंकि वी बिलीव इन वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारी कुटुंब है, हमारा परिवार है और हम सबके मंगल कामना करते हैं, न कि अपनी खुद की मंगल करते हैं और दूसरे का नुकसान करते हैं। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप सब अपना अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और कोरोना की जो टिप्स हैं उनको फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऑर्गेनाइजर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। किरण मैम आप अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। धन्यवाद सर, आपने जो हमें निर्देश दिए उसके अकॉर्डिंग सबको जो है मास्क लगा के ही रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और जरूर ये जो शहरी लोग बाग जो है सैटरडे संडे अपना फार्म हाउस में जाने की ये जो प्रथा इन्होंने जो बना रखी है, तो क्यों नहीं हम विलेज को ही डेवलप करें। जी जी बहुत जरूर सर, इस अभियान में जुड़ते हुए आगे हम जो है कुलदीप सिंह सर को मैं अनुरोध करती हूँ कि वो अब अपना मत रखेंगे, उनकी स्पीच देंगे। सभी लोगों को धन्यवाद, डॉक्टर किरण बूथ, डॉक्टर नवनीत अग्रवाल, डॉक्टर वीरेंद्र फ्रॉम IIT दिल्ली एंड जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। तो डॉक्टर वीरेंद्र ने बहुत अच्छी तरह बता दिया, समझा दिया कि उन्नत भारत अभियान का क्या मकसद है और हमें गाँव की तरफ कैसे पहुँचना है। आप देख रहे हैं कि मैं मास्क पहने हुए और मेरा उद्देश्य है कि ये हमें एक अगर हम हैबिट डाल लें कि मास्क पहने, बिकॉज हम बातें करते हैं तो भी हमारे कट जाके लैपटॉप पे और मोबाइल फोन पे गिरते हैं या टेबल पे गिरते हैं। तो अगर हम मास्क की आदत डालें, केवल हम तब हटाएं जब हमें खाना खाने की आवश्यकता है या पानी पीने की आवश्यकता है या कुछ मुँह से करने की आवश्यकता है, तब करें तो हमें बहुत हद तक हम इसको बचाव कर सकते हैं। मुझे पता है कि सभी लोगों को इस समय सबसे ज्यादा जानकारी है कोरोना के बारे में। अगर हम मेडिकल प्रोफेशन को छोड़ दें तो आजकल सारे लोग डॉक्टर बन गए, सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी है क्या करना चाहिए। इवन हम लोगों को ये अंदेशा भी हो रहा है कि आगे चल के ये हो सकता है कि जो अंधविश्वास को भी बढ़ावा दे। उसका कारण ये है कि अगर हम इसकी पूरी जानकारी नहीं रखेंगे जब तक, तब तक हम अंधविश्वास में भी घिर सकते हैं। आज से 100 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, जब महामारी फैली थी लोग अंधविश्वास के शिकार हो गए थे, बहुत लोगों ने तरह तरह के प्रक्रियाएं करने शुरू की थी अंधविश्वासी रूप में। और अभी हमारे हैं जो आधे रूप से तैयार हुए डॉक्टर्स हैं या झोला छाप डॉक्टर हैं, वो इसका अब्यूज भी कर सकते हैं, गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमारी जो डर का, हमारे जो इस तरह से बीमारी के बारे में जानकारी का, महामारी का, तो इसीलिए मेरा आज पर्पस ये है गांव की तरफ जाना।
और गांव गांव काफी अच्छा सोर्स है जिसमें हम लोग को डिसिप्लिनेट करनी चाहिए। अगर हम ये अतिशयोक्ति नहीं होगा, अगर हम ये कहें कि कोरोना हमारा सबसे अच्छा टीचर है, कोरोना ने हमें कई चीजें सिखाई, कोरोना ने जिस तरह हमें शिक्षा दी, शिक्षा का बेसिक जो मतलब होता है, मकसद होता है कि हमारे व्यवहार को परिवर्तन करना, जो हम आज से 100 साल में नहीं कर पा रहे थे, और नई शिक्षा और नई चीजें हम नहीं जो बता पा रहे थे, नए लोगों को व्यवहार परिवर्तन के बारे में, शौच के बारे में, स्वच्छता के बारे में नहीं बता पा रहे थे, वो इस 3 महीने में हमें पता चल गया। लॉकडाउन एक जरूरी था, लॉकडाउन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लॉकडाउन एक और पीरियड था जिसमें कि हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए थी जो हमने कुछ मिस भी कर दी। अपने परिवार के साथ संबंध बनाना, लोगों से बात करना, गलत चीजों को हटाना और सही चीजें सीखना, स्वच्छता के बारे में, अपनी साफ सफाई के बारे में सीखना, ये लॉकडाउन के हमें टाइम में करना था। साथ ही हमें उस समय प्रिपेयर करना था कि आगे क्या होगा। अब लॉकडाउन खत्म हो गया है और अनलॉक शुरू हुआ है। अनलॉक में कुछ रेस्ट्रिक्टेड चीजें हैं, हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने अलाउ की हैं, लेकिन ये सबसे अब ज्यादा महत्वपूर्ण पीरियड है। ऐसा है कि वायरस के बारे में तो सभी लोग जान गए कि एक कोरोना वायरस है, आरएनए वायरस है, और इसको सार्स कोवी 2 या नोवेल कोरोना वायरस बोलते हैं, और इसके बारे इसके जरिए जो बीमारी होती है उसको कोरोना वायरस डिजीज या कोविड, और क्योंकि ये दिसंबर में 19 में पता चला था, इसका 19 का नंबर दिया है, तो कोविड-19 इज ए डिजीज। और सभी लोग जानते हैं कि इसके लक्षण बहुत ही एसिम्प्टोमेटिक, मतलब कोई भी लक्षण ना हो तो सीरियस लक्षण हो जिसमें इंसान को वेंटिलेटर की जरूरत भी पड़ जाए, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए, और कभी कभी ऑक्सीजन भी कारगर नहीं होती है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जो इस बीमारी के बारे में अभी बहुत सारी चीजें नहीं पता है। अगर हम पूरे ऑनेस्टली बोलें तो मेडिकल प्रोफेशन वर्ल्ड ओवर डज नॉट नो एवरीथिंग अबाउट दिस वायरस। और जहां तक हम बात करते हैं इम्यूनिटी की, इम्यूनिटी हम लोग एक बहुत ही हल्के लहजे में लेते हैं कि इम्यूनिटी है मतलब कि आपका खान पान अच्छा, ऐसा नहीं है। इम्यूनिटी होती है वो एक हर एक वायरस के अगेंस्ट स्पेसिफिक होती है, पता है, अगर कोई कोरोना वायरस है तो उसके लिए अलग इम्यूनिटी होगी, पोलियो वायरस है तो अलग होगी, स्वाइन फ्लू है तो उसकी अलग होगी, डेंगू है तो उसकी अलग होगी। तो इस तरह से हर एक की इम्यूनिटी अलग अलग होती है, वो कीटाणु के अगेंस्ट होती है। हम जनरल इम्यूनिटी का मतलब जनरल हेल्थ, तो इम्यूनिटी के बारे में अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। तो इम्यूनिटी कब आएगी? अगर हमें दो तरह से इम्यूनिटी आ सकती है, या तो हमारे पास वायरस का अटैक हो जाए, हम वायरस से ग्रसित हो जाए, हम पॉजिटिव हो जाए, और उसके 2-3 हफ्ते बाद हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। और दूसरा जो इसका इम्यूनिटी डेवलप करने का, वैक्सीन। वैक्सीन के बारे में हम इतना ज्यादा सुन रहे हैं, इतनी सारी कंपनियां आ रही हैं, लेकिन वैक्सीन का डेवलप होना इतना आसान नहीं है। वैक्सीन डेवलप होने कम से कम 1 साल लगेगा, क्योंकि वैक्सीन जो भी आती है उसको बहुत परीक्षण किया जाता है, एक लाइफ साइकिल के ऊपर परीक्षण किया जाता है। अगर हम इस समय आपदा को देखें तो इस समय जो लाइफ साइकिल हमारी होती है कि बच्चे का जन्म, इसका मतलब कि वैक्सीन ऐसी होनी चाहिए जो कि माँ को भी सुरक्षा रखे, उसके बच्चे को भी सुरक्षित रखे, और आम जनता को भी सुरक्षित रखे, और जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनको भी सुरक्षित रखे। तो हर एक एंगल से उसको टेस्ट करना होता है कि कहीं नई बीमारी तो नहीं उसके जरिए पैदा हो जाएगी, कोई नया कैंसर तो नहीं आगे जाके डेवलप हो जाएगा। तो बहुत सारे ट्रायल चलते हैं, तो जब तक हम इसके बारे में साइंटिफिक कम्युनिटी से या मेडिकल कम्युनिटी से कोई आंसर ना आए, तब तक हमें कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। आजकल व्हाट्सएप है, ईमेल है, मैसेजेस है, न्यूज़पेपर है, मीडिया है, बहुत सारी, इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हम लोग कभी कभी लगता है कि हम लोग ओवरलोडेड हो गए, हमारे जो दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं, और कभी कभी लगता है कि ये बात सच हो सकती है। इस समय हमें अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करने की जरूरत पड़ती है। हम लोग को सेल्फ असेसमेंट ये करना है कि क्या हम रियली टारगेट हैं वायरस के, अपने आप को सुरक्षित रखने का है कि आपको अपने आप को देखना पड़ेगा कि आप कॉन्टेक्ट में आए हैं, कि आप ऐसे भीड़ भाड़ इलाके में गए हैं। तो ये सब चीजें हमें करके ही तभी जब इन सब वैक्सीन के बारे में अच्छी तरह निर्णय लेना होगा। दूसरा इसका है कि इलाज करना।
आप इलाज में देखिए इतनी सारी दवाइयां आ रही थी, फिर उसके बाद प्रूव भी हुआ, डिसप्रूव हुआ कि ये वर्क कर रही है नहीं कर रही है। आप ये सोचिए कि एक पेनिसिलिन नामक की दवा थी जो कि 1800 ईस्वी में आई थी, लेकिन उसको मनुष्य तक पहुंचने में करीब 50 साल लग गए। उसी तरह से कोई भी दवा है, आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांस है, हम उसको जल्दी टेस्ट कर लेते हैं, उसके जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं, पर भी कोई भी दवा का असर पता लगने में कम से कम 3 महीने, 3 महीने के ट्रायल्स और नंबर ऑफ पेशेंट जो उससे अफेक्टेड है उनके ऊपर करके कोई नई चीज तो नहीं डेवलप हो जाती, ये सब करने की जरूरत होती है। तो हमारे पास वैक्सीन तो अभी नहीं है, 1 साल लग जाएगा, उससे ज्यादा भी लग सकता है। इसकी दवा असर को कम करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए वो भी अभी टाइम लगेगा। तो हमारे पास क्या रह जाता है, एकमात्र है अपना बचाव। अब इस समय मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, टेक्नोलॉजी कंपनी ऐसे ज्यादा प्रोडक्ट डेवलप कर रही हैं कि हम अपने आप को प्रिवेंट कर सके, और बहुत सारे नैनो टेक्नोलॉजी पे और न्यू टेक्नोलॉजी पे, फाइबर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे डेवलप चीजें हो रही हैं जो अपने आप को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का नाम हम देते हैं, जिसमें फेस मास्क भी आ जाता है, N95 मास्क भी आता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव किट भी आती है जो बायोहैजार्ड्स वगैरह से बचाने के लिए भी होती है। लेकिन अगर हम सोचें, अगर हम अच्छी तरह सोचें, तो हमारा 3 ही एरिया है, हमारे बॉडी वायरस को बॉडी चाहिए, मतलब कोई भी शरीर चाहिए ग्रो करने के लिए, एंड वहां पे पहुंचने का 3 ही जगह है, एक तो आंख है, दूसरा नाक है, तीसरा मुंह है। अगर हम 3 जगह पे अपने हाथ ना लगाएं तो हम बीमारी से बिल्कुल बच सकते हैं। लेकिन गौर करिए, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो दिन भर में कई बार हाथ ना लगाता हो। सबसे ज्यादा अच्छा मेथड है फेस मास्क पहनना। अगर हम फेस मास्क पहने, हम पहने और दूसरा भी पहने, तो वायरस का स्प्रेड बहुत कम हो जाता है। दूसरा है कि जैसे आजकल हम लोग बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, ऑल्दो ये सोशल डिस्टेंसिंग से मैं अग्री नहीं करता, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमें वर्ड यूज करना चाहिए फिजिकल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग फिर भी पॉसिबल है, आप सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हैं, फोन से कनेक्ट हो सकते हैं, आप ऐसा नहीं सोशली आइसोलेट कर लीजिए, आप लोगों से मिलिए जुलिए थ्रू फोन से बात करिए, मीडिया से बात करिए, टेलीफोन से, आप मोबाइल फोन से, स्मार्टफोन से या व्हाट्सएप से, चैट से बात करिए। तो आप अपने आप को आइसोलेट मत रखिए, और जैसे आजकल हो रहा है हम लोग ना, हम पूरे देश में कनेक्टेड हैं इस समय, यूट्यूब से लाइव हैं, तो डैट मीन्स कि इट इज नॉट सोशल डिस्टेंसिंग, द करेक्ट वर्ड इज फिजिकल डिस्टेंसिंग, दैट इज हमें 1 मीटर के कम से कम डिस्टेंस रखना पड़ेगा। अगर हम 1 मीटर से कम डिस्टेंस रखते हैं और 15 मिनट से ज्यादा किसी पर्सन से इंटरेक्ट करते हैं तो कॉन्टैक्ट माना जाता है। तो अगर वो दूसरा पर्सन कॉन्टैक्ट है, मतलब उसको पॉजिटिव है, तो इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो पॉजिटिव का मतलब है, पॉजिटिव होना एक बुरी बात नहीं है, एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पॉजिटिव होने से हमारा जो थर्ड लेवल होता है, जैसे कि कम्युनिटी का इम्यूनिटी होता है, वो डेवलप होता है। कम्युनिटी की इम्यूनिटी जिसको हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, वो तब मानी जाती है जबकि हमारे 100 में से 60 लोगों को इन्फेक्शन हो चुका हो। इस स्टेज को पहुंचने में अगले 1.5 साल लग जाएगा। तो हर्ड इम्यूनिटी के सहारे भी हम नहीं रह सकते, अपने हम कामकाज भी बंद नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग की जगह फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना। कहीं भी आप जाएं तो आप ध्यान रखिए कि आपका दूसरे पर्सन से डिस्टेंस एटलीस्ट 1 मीटर का दूर बना हुआ है, आप फेस मास्क पहने हैं, और ये दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं जिससे हम इन्फेक्शन काफी कम कर सकते हैं। और तीसरा जो हमारे स्वच्छ भारत अभियान में भी चल रहा था, अपने आप को स्वच्छ रखना, अपने आप को स्वच्छ रखना। आई थिंक ये जो लॉकडाउन के पीरियड था, मैंने कभी, हम लोग मेडिकल प्रोफेशन में हर लोग को बताते जाते थे हाथ की सफाई रखो, कोई बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन इस डर की वजह से लोगों ने इतना ज्यादा अडॉप्ट करना शुरू कर दिया कि अब धीरे धीरे बच्चों में वो हैबिट भी फॉर्म होना शुरू हो गई है, एंड ये हमें कंटिन्यू रखना पड़ेगा। संबंधित हमारी बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो अधूरी हैं, कुछ मैं प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपको बताऊंगा। हर जगह मीडिया पे आ रहा है कि हैंड वॉश करो, ऐसा होता है कि जो हैंड वॉशिंग में सबसे कारगर जो मेथड पाया गया है वो साबुन और पानी जो गांव में भी मिल जाए, ऐसा हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि जो गांव के लिमिटेड संसाधनों में भी हम सैनिटाइजर सब जगह नहीं मिल सकता, सैनिटाइजर के अपने साइड इफेक्ट भी हैं,
और सैनिटाइजर ऐसा जो सोप एंड वाटर है या साबुन या पानी से जो हम हाथ धोते हैं, अगर हम 30 सेकंड के लिए भी हाथ धोते हैं 30 से 40 सेकंड के लिए, तो हमारे सारे कीटाणु मर जाते हैं। कोरोना के साथ साथ हमारे जो स्पोर्स होते हैं, बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं, वो तक भी मर जाते हैं। जबकि हम सैनिटाइजर से जब हाथ साफ करते हैं तो हम 30 सेकंड के लिए जो वॉश करेंगे तो उसमें कोरोना वायरस कम हो जाएगा लेकिन पूरी तरह हटेगा नहीं। बैक्टीरिया बहुत सारे कम हो जाएंगे लेकिन पूरी तरह हटेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग को जो हाथ में जो अल्कोहल बेस 70% अल्कोहल मिनिमम होना चाहिए, वो स्किन में एटलीस्ट 30 सेकंड के लिए कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए। इसीलिए हम लोग जितने भी सैनिटाइजर हैं उसमें ग्लिसरीन भी ऐड करते हैं, क्योंकि ग्लिसरीन से फिर अल्कोहल एवेपोरेट नहीं होता है, उड़ता नहीं है, वो ज्यादा समय तक हमारे स्किन पे रहता है और इसलिए वो बैक्टीरिया को काफी हद तक कम कर देता है या वायरस को कम कर देता है। तो मेरा मैसेज ये होगा गांव वालों के लिए कि आप साबुन पानी का उपयोग ज्यादा करें, क्योंकि साबुन आप जब खेतों में जाएंगे तो मिट्टी लगेगी, उस समय सैनिटाइजर हेल्प नहीं करेगा। आप जब बाहर से सब्जियां लेके आएंगे तो कुछ ना कुछ आपके गंदगी हाथ में रहेगी, उसमें सैनिटाइजर हेल्प नहीं करेगा। सैनिटाइजर एक है हम लोग का घर के अंदर वाली चीज है, जहां पे हमारे हाथ बहुत गंदे ना हो, कीचड़ वगैरह ना लगी हो, तब सैनिटाइजर काम करेगा। और सैनिटाइजर का अपना लिमिटेड रोल है, सब जगह अवेलेबल नहीं होता। सैनिटाइजर से बहुत सारी स्किन डिजीज होने के भी चांस रहते हैं, हमारे स्किन के एलर्जी होने, कुछ लोगों का एलर्जी है, खाल निकलना शुरू हो जाती है। दूसरा, सैनिटाइजर से बहुत सारे नए केमिकल्स हमारे वातावरण में स्प्रेड कर सकते हैं, जो कि डिटर्जेंट से, जो सोप डिटर्जेंट होता है उससे नहीं होते। और जो सबसे सस्ता सोप है उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है, हमें बहुत महंगे सोप या साबुन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सोप से अगर हम पानी को अच्छी तरह हाथ के सब तरफ लगा के, उंगलियों को, नाखूनों को और सबको जो 7 स्टेप्स होते हैं वो फॉलो करें और बच्चों को शिक्षा इसकी दें, तो काफी हद तक हम, और हाथ धोने के बाद हम हाथ को ऐसे रखें जैसे सर्जन रखते हैं। सर्जन जब भी सर्जरी में जाते हैं तो हाथ को धोने के बाद ऐसे रखते हैं जिससे कि ज्यादा जगह टच ना हो। अगर आपका टच हो जाता है तो आपको अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा, आपका किस रूप में टच हुआ है, कितनी खराब या गंदी जगह से टच हुआ है, तो अकॉर्डिंगली आपको दोबारा हाथ अपने वॉश करने की जरूरत पड़ेगी। जितनी बार ज्यादा हाथ धोएंगे और जितना अपनों सूखने देंगे अपने हाथ को, उतना आपका सुरक्षा बढ़ती जाएगी। और अगर हाथ को हम आंख में नाक में ना इस्तेमाल करें तो हमें काफी हद तक इससे बचाव कर सकते हैं। दूसरा, हमारा जो सबसे ज्यादा स्प्रेड होने का कारण होता है लैपटॉप एंड मोबाइल फोन। ये देखा गया है अनुसंधान में कि हम एक मोबाइल फोन को जितना भी ना चाहें, दिन भर में करीब 2500 बार टच करते हैं। 2500 बार हम मोबाइल फोन को नोइंगली या अनोइंगली टच करके देखते हैं। अगर ज्यादातर तो मोबाइल फोन हमारा ही रहता है, किसी हम और दूसरे को नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कीटाणु लगने के चांसेस होते हैं। अब हर बार 2500 बार हम हाथ नहीं धो सकते, तो मोबाइल फोन को भी हमें सुरक्षित रखना और इसको क्लीन करना, और इसमें अल्कोहल बेस्ड वाइप्स आते हैं उससे केवल वाइप करना, इसको कोई डिटर्जेंट या कोई कॉस्टिक या इस तरह की चीजों से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो हम अपने मोबाइल फोन को और लैपटॉप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो 70% अल्कोहल वाले स्वाइप से आप आराम से कर सकते हैं, उससे आपका क्लीन हो जाता है। तो ये चीजें हैं जो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और जब हमारा लॉकडाउन हुआ था तो बहुत सारे लोग, शुरू में तो बहुत अच्छा लगा लॉकडाउन में फैमिली मेंबर के साथ है, लेकिन धीरे धीरे आपके मन में कुछ शंकाएं चिंताएं भी बढ़ने लगी कि आगे का कैसे चलेगा। तो मानसिक रोगों की भी उत्पत्ति इस समय ज्यादा हुई है। हमें आपको अपने आप को मानसिक रोग से बचाव रखना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि केवल शहरों में होता है, गांव में भी बहुत ज्यादा है मानसिक तनाव। मानसिक तनाव के कई कारण हैं। एक तो हमारा ये वायरस के अननोन वायरस है, एक भूत की तरह है कि भूत है तो हम लोग को इसको कहीं नुकसान पहुंचाएगा, तो इसलिए हमें डर भी पैदा होता है, बच्चों के मन में भी मानसिकता ऐसी हो जाती है, फिर आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो, आप घूमना फिरना कम हो जाता है, तो उससे भी मानसिक रोग बढ़ते हैं। जब ओपन हुआ है तो हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक अपने आप को बाहर निकलना है, हर चीज को ध्यान में रख के, हमें कोई भी चीज रिएक्टिव नहीं करनी है, सोच समझ के करना है, ये बहुत जरूरी है। और सोच समझ में ये है कि हम अगर एक्टिविटीज अपनी जितनी मेंटेन कर सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा है,
अगर हम बैठे हैं तो जितना ज्यादा मूव कर सकते हैं घर के अंदर घर के बाहर थोड़ा मूव करें, ऐसे देखें कि जहाँ भीड़ भाड़ जगह को अवॉइड करके आप जितना जा सकते हैं, जिम में जैसे भीड़ हो सकती है लोग टच करते हैं इक्विपमेंट वहां मत जाएं, मॉल्स या मेडिकल शॉप्स वगैरह पे जाते समय भी अपना ध्यान रखें, भीड़ से थोड़ा दूरी रहें, अपने टर्न का वेट करें, थोड़ा टाइम अपना निकालें। तो इस तरह से हम अपने आप को चल फिर के मानसिक तनाव से कम कर सकते हैं। और अगर कुछ आपको चिंता है तो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, कोई भी आपको मानसिक चिंता हो तो इस समय जरूर, अगर आपको लग रहा है कि आप साइकोलॉजिस्ट की मदद की जरूरत है तो इस समय जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग एक्सपर्ट होते हैं, ये आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ के ही पता लगा सकते हैं कि आप तनाव में हैं कि नहीं। आजकल तनाव बहुत लेवल पे बढ़ गया है, आप देख रहे हैं घर में जो वॉयलेंस से बढ़ गया है, पति पत्नी के बीच में झगड़े भी ज्यादा होते हैं, बिकॉज वो साथ रहते हैं और एक दूसरे को ज्यादा उनको झेलना भी पड़ रहा है, बट ये सब नॉर्मल है। लेकिन हमें अपने आप को सोचना, थोड़ा ठहरना होगा, सोचना होगा, फिर कदम उठाना पड़ेगा। हम केवल रिएक्टिव ना हो जाए, थोड़ी देर सोचे जो हम कह रहे हैं, ये चीज हर एक चीज के ऊपर इसका मतलब हम अप्लाई कर सकते हैं। कोई चीज पहले ठहरो, सोचो, फिर करो। हम व्हाट्सएप मैसेज भी देने से पहले पहले ठहरो, सोचो, फिर व्हाट्सएप मैसेज करो। अगर हम ये अडॉप्ट कर लें कि ये ठहर के सोचें कि ये सही है गलत है, और ये स्थिति और ये सब चीजें हमें बच्चों में भी डेवलप कर लें, तो ये बहुत अच्छी चीज होगी हमारी सोसाइटी के लिए। और इसके साथ ही एक और जो हमारे पास नए, हम तो ये सोच रहे हैं आगे का क्या होगा, आगे बहुत सारी ऐसी स्थिति आने वाली है जिसके लिए हम लोग कभी प्रिपेयर नहीं है। हम लोग अननेसेसरी न्यू चीजें बना रहे हैं, नई चीजें बना रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों का इफेक्ट नहीं सोच रहे हैं। हम लोग डिटर्जेंट बना रहे हैं, सोप्स बना रहे हैं, सैनिटाइजर बना रहे हैं, नए नए चीजों को ऐड करके हम केमिकल सब्सटेंस बना रहे हैं, हम टनल्स बना रहे हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा ह्यूज केमिकल एजेंट्स यूज किए जा रहे हैं, ये हमारे वातावरण को दूषित करने के लिए बहुत काफी है। और इससे जो प्रभाव होगा वो हमारी जनरेशन पे पड़ेगा। हमारे जो केमिकल्स हैं, हमें ये पता नहीं कि इनका हमारे असर हमारे जननांगों पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे क्या होता है, हो सकता है बच्चों में कुछ नई बीमारी पैदा हो सकती है। तो जो भी हमें कदम उठाना है वो सोच समझ के उठाना है। जो भी हम केमिकल पेस्टिसाइड्स अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए भी केमिकल्स यूज करते हैं, उनको भी हमें सोच समझ के, एक्सपेरिमेंट करके, डॉक्टर से सलाह लेके, क्या वो टॉक्सिक होगा, कितने अमाउंट में टॉक्सिक होगा, क्या उसका असर हमारे ब्रेन पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे केमिकल एजेंट्स आजकल हैं जो अभी एकदम से असर नहीं करते, लेकिन वो एकुमुलेट होते जाते हैं, जैसे कि मर्करी है, सेलिनियम है, आर्सेनिक है, और बहुत सारे हमारे जो केमिकल्स इसमें जो क्लीनिंग एजेंट्स हैं वो एकुमुलेट होके 10 साल बाद उसका असर करते हैं। कैंसर के रोग हमारे ज्यादा बढ़ सकते हैं 10 साल बाद। हम लोग दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके असर हमारे दिमाग पे पड़ सकते हैं, अंगों पे पड़ सकते हैं, लिवर्स पे, किडनी पे पड़ सकता है, नए तरह की परेशानियां, बीमारियां पैदा हो सकती हैं। तो जो भी हम वेस्ट डिस्पोजल का जो एक मेथड है, तो इसीलिए कुछ लोगों ने ऐसे इको फ्रेंडली चीजें डेवलप की है। हमारा ध्यान गांव वालों के लिए ऐसा होना चाहिए कि उनको इको फ्रेंडली चीजें डेवलप करें, जो कि इकोनॉमिकली भी हो और हमारे एनवायरमेंटल को भी प्रोटेक्ट करें, डिस्ट्रॉय ना करें। तो कुछ लोगों ने जैसे एक्सपेरिमेंट किया है फेस मास्क, जिसमें कि उन्होंने मिट्टी से बने हुए फेस मास्क पतले से इस्तेमाल करने की कोशिश की है। ऑल्दो इनके ऊपर हम लोग मेडिकल प्रोफेशन अभी वैलिडेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की और वैलिडेशन की जरूरत है। अब रिसर्च जो दूसरे एंगल से हम लोग के लैब्स में स्टार्ट हो रहा है कि कितने डिस्टेंस तक हमारे छींके जाती हैं और कितने दूर तक कीटाणु विषाणु जा सकता है, क्या वो फेस मास्क से कितना प्रोटेक्शन मिलता है, हर तरह के फेस मास्क, क्या वायरस का कल्चर में पॉजिटिव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अब एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा है। साथ ही जो हम दोबारा चीजें इस्तेमाल करते हैं वो भी सेफ होने चाहिए। अगर आप फेस मास्क यूज करते हैं और फेस मास्क को टच नहीं करना चाहिए, जहां आपने टच किया तो इसके ऊपर बहुत सारे वायरस प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बार बार टच करेंगे तो हमारे हाथ पे रहेंगे, हम भले ही चेंज कर लें पर दूसरे फेस मास्क के नाक में हमारे अंदर पहुंच सकते हैं, या हमारे जरिए हमारे स्किन के थ्रू किसी दूसरे से हमने टेबल पे टच किया, टेबल पे दूसरे ने टच किया तो वो स्प्रेड कर सकता है। अगर हम सोचें तो हमारे मल्टीपल कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन हो सकते हैं,
जिससे वायरस स्प्रेड इस तरह कर सकता है। तो हमें वेस्ट डिस्पोजल के ऊपर भी बहुत ज्यादा अनुसंधान की जरूरत है। हम ऐसी चीजें फेंक देते हैं, अभी हम लोगों ने कुछ हॉस्पिटल्स में भी देखा कि वहां पे फेस मास्क ऐसे पड़े पाए गए, वो बहुत बड़ा सोर्स स्प्रेड होगा। आप जैसे कम्युनिटी में जाइए तो हमें अभी साफ सफाई की बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत है। जो हम स्वच्छता अभियान चला आ रहा था पिछले 4 सालों से, उसको और जोर शोर से आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो उसी में वेस्ट डिस्पोजल, स्वच्छ प्रक्रिया और क्लीनलीनेस हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इससे में सबसे ज्यादा जरूरत सुरक्षा की है। जो हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो 60 वर्ष से ऊपर हैं, उनको इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। हम नोइंगली अनोइंगली अपना वायरस घर में ले जाते हैं और उनको इन्फेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए हमें उनको बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। दूसरा, हमारे बच्चे हैं, बच्चे हमें देख के फॉलो करते हैं, तो बच्चों को हमें सिखाना है। अब जैसे हम लोग सोच रहे हैं स्कूल कैसे ओपन होंगे, तो बच्चों को उसके लिए भी प्रिपेयर करना है। जब स्कूल में जाएंगे, स्कूल एक सोर्स होता है, एक क्षेत्र होता है जहाँ पे हम उनको शिक्षा दे सकते हैं। साफ सफाई की शिक्षा का मूल स्रोत स्कूल होता है, टीचर्स की बात बच्चे ज्यादा मानते हैं। तो बच्चों को स्कूल में जाके जब एजुकेशन स्टार्ट होगा, उनको फिजिकल डिस्टेंसिंग के बारे में बताना, टीचर्स सब आगे की रो में बैठे बच्चों से जैसे बात करते हैं तो फेस मास्क जरूर पहने, आगे वाले रो वाले बच्चों को ज्यादा स्ट्रिक्टली थोड़ा डिस्टेंस भी रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 मीटर का डिस्टेंस। बाहर हमें पैम्फलेट्स वगैरह है, एक कॉर्नर है जहाँ पे बच्चों की समस्याओं का समाधान किया सके। जो हमारे टॉयलेट्स हैं उनको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी स्कूल में, क्योंकि टॉयलेट्स में बच्चे एकदम से इकट्ठा हो जाते हैं जैसे ही रेसेस होता है। हमें जो उनको शिक्षा में साफ सफाई के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, रेदर देन हमें उनको अकेडमिक टीचिंग देना, ये हमारा ज्यादा महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए। अकेडमिक टीचिंग कम कर देना चाहिए, और हमें जैसे सजेशन आया कि 30% सिलेबस कैन बी रिड्यूस्ड, ये हमें फॉलो करना चाहिए। गांव में भी हमें इस चीज को फॉलो करके उनको बताने की जरूरत है। टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए कि किस तरह से स्थिति में हर एक बच्चे को फॉलो करें, जिन बच्चों को बुखार है, सर्दी खांसी है, उनको स्कूल ना आने दिया जाए, पेरेंट्स को उनको बताया जाए, स्कूल के आने जाने वाले वाहन है उनमें कैसे हैंडल को टच करना है, और उसके बाद अपने आप को क्लीन रखना है, हाथ को ज्यादा टच नहीं करना है फेस पे। ये हमें व्यवहार में परिवर्तन लाने की जरूरत है, और ये व्यवहार में परिवर्तन 1 दिन में 2 दिन में 1 महीने में 2 महीने में नहीं आता, ये सतत प्रयत्न करते रहने से कम 6 महीने 1 साल जब हम ये कोशिश करते रहेंगे तभी आ पाएगा। तो इस तरह से हम देखें, अगर खाने की सुरक्षा के ऊपर भी हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अब खाने की कमी होने से खाना आपको मिलेगा वो हो सकता है पूरी तरह से सुरक्षित ना हो। खाने की सब्जियां वगैरह लाने के लोग डिटर्जेंट यूज करते हैं वॉश करने के लिए, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने हाथ को क्लीन करना है, कोई भी खाना बनाने से पहले हाथ को क्लीन करना, किचन की सफाई रखना, सिंपल 0.5% हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन या लिजोल्व से आप क्लीन करेंगे किचन को, घर को, तो आपका फर्श वगैरह सुरक्षित रहेगा। और फिजिकल डिस्टेंसिंग और अपने आप को सेल्फ असेसमेंट कि हम कितना एक्सपोज हुए हैं ये जानना हमें बहुत जरूरी है। तो रिसर्च, अनुसंधान, मेडिकली करेक्ट मेथड्स, करेक्ट इंफॉर्मेशन, जो हमें जानकारी जो हम लोग सब लोगों से साझा कर पाए, इसकी हमें बहुत जरूरत है। और इम्यूनिटी आने में टाइम लगेगा, वैक्सीन डेवलपमेंट में टाइम लगेगा, ड्रग्स डेवलपमेंट में टाइम लगेगा, तब तक हमारे पास एक ही चारा है अपने आप को सुरक्षित रखने का, कि हम डरे नहीं लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखने के जो सिंपल्स मेथड हैं वो फॉलो करें और उनको स्प्रेड करें। करेक्ट मेथड्स फॉलो करने के लिए हमें उत्साहित करना पड़ेगा। यही मेरा मैसेज है कि फेस मास्क ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करा जाए, घर में भी आप सिंपल क्लॉथ मास्क भी यूज कर। मैंने जो यूज किया है ये ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क है, इसमें आप जब फूकेंगे तो आप मोमबत्ती को बुझा नहीं सकते, जबकि आप अगर आप नॉर्मल क्लॉथ वाले फेस मास्क को पहन के मोमबत्ती को बुझाएंगे तो मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर आपका एक्सपोजर हो रहा है घर में तो केवल फेस मास्क घर वाला सूती कपड़े का बना काफी है, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल विजिट करते हैं, भीड़ वाले जगह में जाते हैं, तो ट्रिपल लेयर फेस मास्क। अगर आप पेशेंट के कॉन्टेक्ट में आते हैं जो पॉजिटिव है, तब N95 मास्क की जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा अगर हम पेशेंट पॉजिटिव है, वेंटिलेटर में है, तो हमें पीपी की जैसे डॉक्टर्स जैसे पीपी पहन के उसको मैनेज करते हैं।
और इसके अलावा मैं अगर और कोई क्वेश्चन प्रश्न होंगे तो मैं उसके जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जी जरूर सर। सर प्रश्न उत्तर राउंड तो लास्ट में रखा हुआ है। जरूर हम आपने जो अनलॉक अवधि में सावधानियां रखने का जो आपने अनुरोध किया है, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने की हैबिट डेवलप करना, मोबाइल लैपटॉप को सैनिटाइज करना, भीड़ भाड़ की जगह में जाने से अवॉइड करना, ये सब बातों का हम जरूर ध्यान रखेंगे सर। अब मैं हमारे जो तीसरे आज के विशेषज्ञ हैं इंजीनियर नवनीत अग्रवाल सर, उनको मैं अनुरोध करती हूँ वो अपना मंतव्य रखेंगे। नमस्कार, सभी का स्वागत इस वेबिनार के अंदर। मैं जीत ग्रुप के और सभी ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देता हूँ। खासकर मैं जो पैनलिस्ट हैं डॉक्टर कुलदीप सिंह और डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है। देखिए, इस कोविड में जैसा कि डॉक्टर कुलदीप ने कहा कि हर आदमी डॉक्टर बन गया है, एवरीबडी नोज एवरीथिंग बट फ्यू पीपल नोज द परफेक्ट थिंग्स, एंड आई थिंक डॉक्टर कुलदीप एंड डॉक्टर वीरेंद्र आर वन ऑफ देम जो दे नो एवरीथिंग विच इज रियली नेसेसरी, जो बहुत जरूरी है हमें जानना और जान के मानना और मान के उसको उपयोग में लेना, उसको अपनी हैबिट में डालना। ड्यूरिंग जैसे कुलदीप, डॉक्टर कुलदीप बात कर रहे थे, मैं भी बार बार मेरे मुंह पे हाथ लगा रहा था, मुझे लग रहा था कि यस जो डॉक्टर कुलदीप कह रहे हैं वो बात सही है, मैं जानता हूँ उस बात को, पर शायद मैं उसको अपनी हैबिट में ला नहीं पा रहा हूँ। तो ये सभी चीजें, ये सारी चीजें हमें अपने हैबिट्स में लानी पड़ेगी। हमने बहुत कुछ सुना इस कोविड के बारे में, जाना हमने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो जिस पे डॉक्टर वीरेंद्र ने भी इम्फेसिस किया, कुलदीप ने भी इम्फेसिस किया, वो है दो गज दूरी। दो गज दूरी जैसा डॉक्टर वीरेंद्र ने भी कहा, डॉक्टर कुलदीप ने भी कहा, दो गज की जो दूरी है वो शारीरिक दूरी बनाए रखें, लेकिन जो मानसिक तनाव जो डॉक्टर कुलदीप का कहना था, उस दूरियों को हमें कम करना है। हम डर के माहौल से बाहर निकले, अब ये मान ले हमें कि इसके साथ जीना है, हमें इसके साथ ही हमें आगे बढ़ना है। अब हम कामों को, हमारे वर्क को, हमारी प्रायोरिटीज को अब हम अवॉइड नहीं कर सकते। ऑलरेडी हमने हमारी प्रायोरिटीज को, हमारे काम को 2 महीने डिले किया है, सो अब टाइम है हमें और फास्ट चलने का। लेकिन चलने से पहले, जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, और एक जो अच्छा ड्राइवर होता है वो गाड़ी में सबसे पहले देखता है कि मेरे डीजल है या नहीं है, चारों टायर में हवा है या नहीं है, ब्रेक और क्लच परफेक्ट है या नहीं है, उसके बाद वो लंबे रास्ते पर निकलता है। इसी तरह से अब हम एक नई दिशा में आगे बढ़ेंगे तो सारी प्रिकॉशंस के साथ, कि मेरे पास मास्क है या नहीं है, सैनिटाइजर है या नहीं है, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, तो वापस आके मैं अपने आप को स्वच्छ रख सकूँ, ताकि मेरी वजह से मेरे परिवार में जो मेरे बच्चे हैं या मेरे जो एल्डरली फैमिली मेंबर्स हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ये चीजें हमें इंश्योर करनी है। अभी क्या होता है, कई बार अक्सर मैंने देखा है, चूंकि मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से डील करता हूँ, हालांकि अभी बच्चों का भी आना नहीं हुआ है, लेकिन स्टाफ और फैकल्टी मेंबर्स 2 महीने 2.5 महीने बाद आए, तो उनकी एक इच्छा होती है कि सबसे यू नो क्लोज, हमारी जो एक भारतीय परंपरा है, एक कल्चर है कि हम क्लोजली मिलते हैं सबसे, वो एक आदत लोगों में दिखी मेरे को, बट एक डर के कारण वो रुके, वो अलग रहे, दूर रहे, और उन्होंने एक दूसरे को ग्रीट करना या बात करना शुरू किया। इसको अब हम परंपरा बना लें, जितनी जल्दी बनाएंगे उतना हम लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। उन्नत भारत अभियान से हम काफी समय से जुड़े हुए हैं, हमने 2 गांव अडॉप्ट किए हुए हैं, प्रोफेसर किरण भूत उसको कोऑर्डिनेट भी कर रही है। सो सभी विद्यार्थीगण, सभी फैकल्टी मेंबर्स और स्टाफ मेंबर्स, इस कोविड के समय में जितनी भी सावधानियां रख रहे हैं, ये खुद के लिए भी रखें, और बीइंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसकी अवेयरनेस को मासेस तक लेके जाएं, हम गांव में या हम जहां भी जा रहे हैं सोसाइटी में इस चीज को स्प्रेड करें,
जो बात डॉक्टर कुलदीप ने करी, भीड़ की जगह से बचना है, मास्क रेगुलर लगाना है, साबुन से 30 सेकंड कम से कम हाथ दिन में जितनी बार धो सकते हैं हमें धोना है, जो हम चीजें रेगुलर उपयोग में ले रहे हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, वॉच है, पेन है, उसको हमें रेगुलरली सैनिटाइज करना है। ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है। घर में हम सब्जी लाते हैं, दूध थैली में दूध लेके आते हैं, जो भी चीजें लेके आते हैं उनको प्रॉपरली साफ सफाई करके हमारे किचन तक लेके जाएं। इन सारी चीजों को हम भी माने, हम भी जाने, और एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के भागीदार होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसको हम सोसाइटी में बहुत अच्छे तक, बहुत नीचे तक एलोबरेट करें, उसको नीचे तक लेके जाएं और लोगों को बताएं और एजुकेट करें उनको, उनको इसके बारे में समझाएं। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। जीत में हमने इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। पहले दिन से हमने जीत के एक कैंपस को क्वारंटाइन सेंटर बनाया था। उस दिन से हमारे यहाँ का जो स्टाफ है वो सारे प्रिकॉशंस को एंडोर्स कर रहा है, सारे प्रिकॉशंस को यूज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 150 से 200 लोग रहे थे हमारे क्वारंटाइन सेंटर में। उनके लिए मॉर्निंग टी, उनके लिए सुबह का ब्रेकफास्ट, वो सब हमारे स्टाफ ने ही प्रोवाइड किया था। उसके अलावा पानी की व्यवस्था, जो भी व्यवस्था हम लोग कर सकते थे हमने करी है, और हम चाहते हैं कि इसमें और लोग जुड़े। और चूंकि इस बीमारी के साथ जीना है, इसका जब भी वैक्सीन आएगी, इसकी जब भी मेडिसिन आएगी, हम तब तक एटलीस्ट इससे जुड़े, सहभागिता रखें, भागीदारी रखें, और इसके स्प्रेड होने को जिस भी तरह से हम रोक सकते हैं। अगर एक आदमी के सतर्कता से 10 जनों में ये बीमारी फैलने से रुकती है, तो मैं मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ा योगदान है इस उन्नत भारत को और उन्नत बनाने के लिए। ये कदम भी है हमारी प्रायोरिटी में, ये प्रायोरिटी पहले नहीं थी, आज हम इसको अपनी प्रायोरिटी बना लें। जैसे ही हम इसको अपनी प्रायोरिटी बना लेंगे, मेरे हिसाब से हम इस उन्नत भारत अभियान का एक अभिन्न अंग बनकर उन्नत भारत को आगे ले जाएंगे। चौथी बात इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, अवॉइड ग्रुप, भीड़ से अलग रहना, उस सबसे चौथी बात जो डॉक्टर कुलदीप ने कहा था कि मानसिक रूप से भी हमें मजबूत रहना है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है, अच्छी है, शारीरिक मजबूती है, सब है, बट हमें दिमाग को भी मजबूत रखना है। और दिमाग को मजबूत रखने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टाफ से, अपने फैकल्टी मेंबर से, अपने स्टूडेंट से कि देना आसान है या लेना आसान है। शुड नो द डिफरेंस बिटवीन कि देना आसान है या लेना आसान है। अगर देना आसान है तो खुशियां दो, देना आसान है तो सच्ची, जिसे कहते हैं ना, खुशी या एक मुस्कुराहट किसी के चेहरे पे आप दे सकते हो, वो देने की कोशिश करो। आप भी स्वस्थ रहोगे मेंटली और सामने वाले को भी आप स्वस्थ रख पाओगे। देखिए, काम का प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, अभी लॉकडाउन के टाइम पे फाइनेंशियल प्रेशर्स भी हैं, कई काम अधूरे रह गए उनको पूरा करने की जल्दबाजी भी है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, उसके बावजूद भी हम अगर अपने आप को मेंटली स्वस्थ रख सके, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे हम फ्लाइट्स में ट्रेवल करते हैं तो एक आवाज हमें एक फिक्स एक लाइन सुनने को मिलती है कि ऑक्सीजन की कमी होने के बाद मास्क लटकेगा, पहले दूसरों की सहायता करने से पहले खुद की सहायता करें, फिर दूसरों की सहायता करें। ये चीज हमको यहाँ इम्प्लीमेंटेशन बनानी है। हम स्वस्थ रहें, हम अपने आप की बॉडी को, माइंड को और सोल को स्वस्थ रखें, और साथ में हम दूसरों को भी, खुद को रखने के बाद दूसरों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। ये परंपरा अगर हम अपने आप में डालेंगे, ये चीज अपनी प्रायोरिटी में हम ले आएंगे, आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू लीड आवर लाइफ हैप्पीली एंड जेनरसली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का, सभी पार्टिसिपेंट्स का। काफी क्वेश्चंस हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर वीरेंद्र से और डॉक्टर साहब से कि वो इन सवालों के जवाब दें, और भी कोई सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ये जो क्वेश्चंस है, एक तो ये कि मास्क कितने टाइम में चेंज करने की जरूरत है।
जो फेस मास्क, अगर आप घर पे कपड़े वाला मास्क पहने हैं तो उसको तो आप अगर थोड़ा सा भी लगता है आपने टच कर लिया और अंदर से थूक से गीला हो रहा है तो आप उसको चेंज, उसको वॉश करके सूख लें और दूसरा मास्क पहन लीजिए। ट्रिपल लेयर मास्क है जब तक कि इसमें आपका गीला ना हो या सॉइल ना हो, और एक बार आपने पहना है तो आप आराम से 5-6 घंटे तक पहन सकते हैं। लेकिन N95 जो मास्क होता है वो उसमें थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत होती है। N95 को आप लगातार 6 घंटे तक नहीं पहन सकते, लेकिन आप थोड़ा सा हटा के, एंड उसका हटाने का भी तरीका होता है कि आपको पीछे से पकड़ना होता है, आगे कभी टच नहीं करना है फेस के। और फेस मास्क को सही तरीके से पहनने का मतलब कि आपके नाक पे बैठ जाए, नाक पे प्रेस करके ये फोल्ड हो जाए और ये यहाँ पे टाइट बना ले, नीचे भी चिन को भी टाइट बना ले, जिससे कि आपका कोई अंदर एयर ना जाए। अगर आपका थोड़ा सा भी लूज है और आप इसको बार बार नीचे करते हैं तो उससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और वो इफेक्टिव नहीं होता है। और आपने एक बार टच कर लिया तो इट इज यूजलेस, इसको चेंज करने की जरूरत है। तो वैसे तो ये आराम से मिल जाते हैं, तो आप कितनी बार भी चेंज कर सकते हैं। N95 आप इस्तेमाल करने के बाद उसको रीयूज कर सकते हैं, लेकिन उसके मेथड होते हैं कि आप तो या तो यूवी स्टरलाइज कराइए उसको और उसके बाद उसको इस्तेमाल करें, या फिर उसको 4 दिन के लिए एक थैली में ब्राउन पेपर में रख के छोड़ दें ड्राई प्लेस में, और 5वें दिन उसको फिर से दोबारा पहन सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग 4 मास्क को 20 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके कपड़े वाले मास्क हैं जो घर के लिए काफी हैं, घर में अगर आप ये वाले मास्क हैं तब आपको पहनने की ज्यादा जरूरत पड़ती है जब आपको पता नहीं होता है दूसरा पर्सन पॉजिटिव है कि नहीं। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ये ट्रिपल लेयर फेस मास्क, और अगर आप डिस्टेंस नहीं बना सकते या किसी वजह से आपका एक्सपोजर ऐसा होता है तो आपको ये वाले मास्क, और अगर आप हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं और हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा देर तक आपको मरीज के साथ रहना है तो आपको N95 मास्क की जरूरत पड़ेगी। एंड अगर आप ऐसे पेशेंट जो जिन आप जिनके कांटेक्ट में हैं और जो बार बार खांसी कर रहे हैं और पॉजिटिव भी हैं, तब आपको फेस शील्ड, ग्लास या गॉगल या फेस शील्ड लगाने की जरूरत पड़ती है, और उस समय और ज्यादा प्रिकॉशंस लेने के, उसमें डिस्टेंस भी ज्यादा मेंटेन कर, 1 मीटर की बजाय 2 मीटर रखना एंड फेस शील्ड लगा के रखना, ये ज्यादा जरूरत है। जो डॉक्टर्स हैं जो वेंटिलेटर वाले जिसमें की खांसी आ रही है या ट्यूब सांस में डालना होता है, ऑक्सीजन देना होता है, उस समय बहुत सारा एरोसोल जनरेट होता है, तो उस समय स्पेशली उनको पीपी किट के बिना मरीज नहीं देख सकते। तो इस तरह से आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सिचुएशन में हैं, घर में हैं, बाहर हैं, हॉस्पिटल में हैं, पॉजिटिव पेशेंट के कॉन्टेक्ट में हैं, नहीं है, तो उस पर आपको डिपेंड करता है कौन सा मास्क इस्तेमाल करना है। जहां तक मास्क ऑफ क्लॉथ इज बेटर और नॉट, एक्चुअली बेटर है, कुछ प्रोटेक्शन एटलीस्ट, कुछ भी आपका प्रोटेक्शन है घर में तो बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे अदर दूसरे कीटाणु भी निकल जाएंगे उसमें। अगर देश और राज्य में आज जैसे हालात हो रहे हैं तो विद्यार्थियों के शैक्षणिक गतिविधियों में क्या विपरीत प्रभाव पड़ेगा? ये सर आप तो ये सारी चीज है रिलेटिव टर्म्स में हम बात कर सकते हैं कि अभी पूरे देश में पूरी दुनिया पे जो कोरोना का प्रभाव आया हुआ है उसमें सारे जो एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं उनको काफी डिले, एडमिशंस, एग्जामिनेशंस और नए एडमिशंस वो डिले होते जा रहे हैं। अब जैसे जो हमारे इस साल का सेमेस्टर जून में ख़त्म होता है तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जिनको डिग्री मिल गया, जिनका प्लेसमेंट हो गया है, उनको अपनी कंपनियां ज्वाइन करनी है, तो उनके लिए स्पेशली हम लोग खाली जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशल एग्जाम जून में कंडक्ट करा रहे हैं। बाकी जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के हैं उनके एग्जाम बाद में लेंगे जब भी नॉर्मल सिचुएशन बनेगी। तो बिल्कुल ये तो पूरी दुनिया पे इस चीज़ का प्रभाव हुआ है, सारी इकोनॉमी में प्रभाव हुआ है, सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में प्रभाव हुआ है, सारी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन सिस्टम बंद हो गए हैं, तो प्रभाव तो पड़ता है, परंतु हमको परिस्थिति देखना पड़ेगा कि किस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं हम। तो उसके हिसाब से हमारे एकेडमिक प्रोग्राम्स में भी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो भी जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम ले रही है अभी जुलाई में, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है चाहे ट्रिपल ई हो चाहे नीट हो चाहे दूसरे हो
उनके भी एग्जाम रीशेड्यूल हुए हैं और वो कोशिश करेंगे कि टाइम से अगली बार हो जाए। ऐसे ही जो किसी को ग्रेजुएट होना है, डिग्री मिलनी है, यूजी या पीजी जो भी जिस भी लेवल की है, तो अगर डिग्री लेके भी फिर भी नौकरी नहीं लगेगी या नौकरी लग अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम हो गई हैं क्योंकि सारी कंपनियां गंभीर स्थिति में हैं, तो इसका प्रभाव तो हुआ है क्योंकि ये तो ग्लोबल इम्पैक्ट है, ग्लोबल इफेक्ट है। अब उसको हम किस तरह से और सुधार पाएं, इस पर कोशिश जारी है। भारत सरकार का जो MHRD मंत्रालय है वो भी कोशिश कर रहा है, यूनिवर्सिटीज भी कोशिश कर रही हैं, कॉलेजेस भी कोशिश कर रही हैं कि इसको कम से कम प्रभाव हो और हमारे विद्यार्थियों को नुकसान नहीं हो। एक ही क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट शुड बी यूज्ड, व्हाट शुड बी द टाइम इंटरवल। यस यस सर। सर इसमें इसमें हम लोग को रिकमेंडेड है 1% जो हॉस्पिटल में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन अब ये रिकमेंडेशन 0.5% पे भी आ गया है कि 0.5% इज द मिनिमम हमें यूज करना चाहिए। जैसे पीपी किट है जिनको रियूजेबल टाइप की है, तो उसमें 0.5% हाइपोक्लोराइट में 15 मिनट के लिए, कम से कम 15 मिनट के लिए डुबो के रखने की जरूरत है। तो सरफेस पे अगर 15 मिनट तक जब तक कांटेक्ट रहता है 0.5% हाइपोक्लोराइट का, तभी इफेक्टिव है। अगर उससे कम समय के लिए तो कोई इफेक्टिव नहीं है। सो इसीलिए हम लोगों ने जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये डिस्क किया था कि जो टनल्स हैं उसमें आपका जो कॉन्टेक्ट है पीरियड है बहुत ही छोटा होता है, दे आर नॉट इफेक्टिव, इवन दे आर डेंजरस फॉर द आईज स्किन एंड जो म्यूकस मेम्ब्रेन को भी डैमेज करते हैं। तो इसलिए उस तरह टनल्स वगैरह बहुत इफेक्टिव नहीं है इन सैनिटाइजिंग। इवन सैनिटाइजिंग में हमें बहुत सारी चीजें समझने की जरूरत है। सैनिटाइजिंग इज ऑल्सो ए साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड ऑल्सो एन आर्ट। अभी हम लोग के डॉक्टर्स के किसी के पॉजिटिव आने पर सैनिटाइजर के लिए नगर निगम की फायर ब्रिगेड की जो आई उसने स्प्रे इतना ज्यादा किया कि उनके घर में पानी की बाढ़ आ गई। तो इस तरह के जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उससे वेस्टेज भी हो रहा है और हमारा इफेक्ट भी कम हो रहा है। तो इसको राइट वे में, राइट टाइम पे और राइट ड्यूरेशन के लिए 15 मिनट कम से कम टच होना चाहिए और लिमिटेड क्वांटिटी यूज करें, सो हमारा एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन नहीं होगा। एक और क्वेश्चन है, COVID-19 के इनिशियल सिम्टम्स कफिंग एंड फीवर हैं। लोग नॉर्मली खुद ही आइबुप्रोफेन या कुछ मेडिसिन ले लेते हैं, इन्होंने इनका कहना है कि हमें कोविड के जो सिम्टम्स में क्या दवा लेने की जरूरत है कि नहीं। ऐसा होता है कि कोविड के सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड होते हैं, ज्यादातर गले में खराश होना, सर्दी होना और हल्की खांसी आना। जब ये सीवियर होता है तो आपकी खांसी बढ़ जाती है और साथ में बुखार एक लक्षण है जो कि करीब 28% 30% पेशेंट में होता है। तो एक बुखार एक खास लक्षण है, उसके साथ अगर सर्दी खांसी है और आपने अगर ट्रेवल किया है या आप किसी पॉजिटिव पेशेंट के पर्सन के कॉन्टेक्ट में आए हैं, तब ये सोच सकते हैं कि कोविड इन्फेक्शन हो सकता है। पर ज्यादातर अगर फीवर नहीं है तो आपको हल्की सर्दी खांसी एनवायरमेंट की वजह से भी हो सकती है। इस समय और वायरस भी हैं, एडिनो वायरस है, राइनो वायरस है, ये वायरस भी हमारे गले में खिचखिच कर सकते हैं। ऐसे में सबसे सुरक्षित दवा तो पैरास्टामोल है। आइबुप्रोफेन हमें नहीं लेना चाहिए बिकॉज आइबुप्रोफेन का जो मैकेनिज्म वही है AC इनिबिटर्स के लेवल पे जाके वो बंद कर देता है, वहीं से वायरस की एंट्री भी होती है। तो इसलिए आइबुप्रोफेन को बहुत ही संभल के लेना चाहिए। कोई भी दवा अगर हम इस समय कम से कम इस्तेमाल करें, इवन हम दवा के मामले में ये भी कहना चाहेंगे कि बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं और इवन जो भोपाल हैं, धामी हैं, झाकड़ी हैं, ओझा हैं, वो ऐसे क्लेम करेंगे कि ये हमारी दवा कारगर है, कोविड से बचा सकती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इनकी बातों में नहीं आना है जब तक कि साइंटिफिक प्रूफ ना हो हमारे पास। इस समय हम लोग भारत सबसे ज्यादा अच्छा देश माना जाता है फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन के भी इस्तेमाल के पहले हमें साइंटिफिकली अश्योर होना पड़ेगा कि वो इफेक्टिव है कि नहीं। केवल हमें बातों से किसी ने क्लेम कर दिया है कि आयुर्वेदिक दवा सुरक्षित है और इससे कोरोना मर जाएगा, या होम्योपैथिक दवा से कहते हैं कि कोरोना मर जाएगा, ऐसा नहीं है। हम लोग को उसको साइंटिफिकली वायरस के लेवल पर जाके टेस्ट करके
चेक करने की जरूरत है। तो मेरा कहना है कि इस समय अगर हम कोलैबोरेशन करें आयुर्वेदिक वाले भी, अगर हम मेडिकल टेक्नोलॉजी को, जो लेबोरेटरी बेस्ड टेक्नोलॉजी को ज्यादा इस्तेमाल करें, तो इस समय बहुत महत्वपूर्ण हमारे पास रिसर्च का बेसिस कलेक्ट हो जाएगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन कितनी इफेक्टिव है। दे आर इफेक्टिव, बहुत सारी दवाएं हैं जो बनती हैं परिष्कृत फॉर्म में, वो आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से बनती है, लेकिन हमें उनका प्रभाव नहीं पता है, लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट होगा ये भी हमें पता नहीं है। तो इसलिए कोविड के मामले में दवा, कोई भी दवा डॉक्टर से बिना पूछे ना दे। एक सवाल है ये बार बार, प्लांटिंग मोर ट्रीज कैन बी हैव मोर फाइट फॉर द कोरोना वायरस। ये तो एक जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन है, तो इस पे तो कमेंट वाली कोई बात नहीं है मुझे लगता है। मास्क के बारे में तो मैं बता चुका हूँ किस टाइप के मास्क हैं, बहुत सारे मास्क हैं तरह तरह के, आजकल बहुत कंपनीज वाले नए नए मास्क भी लेके आ रहे हैं। तो सिंपल मास्क तो हमारे रोजमर्रा के उसमें तो काफी सुरक्षित हैं, लेकिन अगर आप जब अस्पताल विजिट करते हैं तो स्पेशल मास्क की जरूरत पड़ेगी, या आप भीड़ वाले जगह में जाते हैं या फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं, उस समय हमें स्पेशल मास्क की जरूरत पड़ेगी। एक क्वेश्चन है, हाउ टू प्रोटेक्ट द आईज इन द क्राउड। ये खैर, ये अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग अगर हम रखेंगे तो हमारे आईज तक हमारा वायरस नहीं पहुंच पाएगा, तो इसलिए फिजिकल डिस्टेंसिंग इज द आंसर फॉर दिस। विदाउट सिम्टम्स हाउ टू डायग्नोस फॉर कोविड, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट में अराउंड 70% पेशेंट होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, उनको कोई सिम्टम नहीं होता, कोई लक्षण नहीं होता। इवन जो 30% जिनको सिम्टम होते हैं, उसमें से भी 70% में बहुत ही माइल्ड सिम्टम होते हैं। ओनली 10% होते हैं जो सीरियस होते हैं, 5-6% जिनको आईसीयू में रखना पड़ता है, और 1% है जिनकी डेथ होती है। तो बहुत कम ऐसा होता है चांसेस डेथ के, लेकिन डेथ होने के रीजन होते हैं, जैसे कि अगर आपका आपके कोई और बीमारी है, जैसे लंग्स की बीमारी है, पहले से कुछ लंग्स की डिजीज है लाइक न्यूमोनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, अस्थमा, या आपको हार्ट की कोई परेशानी है, जैसे कि आपके हार्ट ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा रहता है जिसके असर पूरे अंगों पे पड़ता है, दिमाग पे भी होता है, या आपको लिवर की या किडनी की डिजीज है। डायबिटीज का असर पूरे शरीर पे होता है, क्योंकि शुगर बहुत ज्यादा बड़ी होने से वायरस वगैरह ज्यादा असर करते हैं और अंग भी हमारे उतने ज्यादा इफेक्टिवली प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में जिसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या प्रीवियस कोई बीमारी हो, या आपको कोई सर्जरी हुई हो, या कोई आपका दवा चल रही है जिससे स्टेरॉइड देना पड़ रहा हो जिससे इम्यून सप्रेशन हो, या आपके लंग्स का क्रॉनिक डिजीज है, जैसे जो बूढ़े लोग होते हैं उनको लंग्स की डिजीज, जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको लंग्स का एक ब्रोंकाइटिस टाइप की बीमारी रहती है, उनको कोरोना वायरस से डेथ होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए स्मोकिंग अवॉइड करना एक फैक्टर है जो हम अवॉइड करके प्रिवेंट कर सकते हैं। किरण जी, अभी फिर 12:30 बजे उनको कहीं जाना पड़ेगा, है ना? जी जी, डायग्नोसिस के लिए तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो तो RT-PCR ही है, और ये बहुत ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे हैं डिफरेंशिएट द अदर सिम्टम्स, आई थिंक ऐसे में डॉक्टर से सलाह करना, फैमिली डॉक्टर से बात कर लेना बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन है, डिस्पोजिंग द दिस आइटम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनको एक क्लोज जगह पे पैक करके फिर इनको या तो इंसिनरेट किया जाए या फिर इनको ऑटोक्लेव किया जाए, और अगर रीयूजेबल थिंग्स हैं उनको हम लोग हाइपोक्लोराइट ट्रीटमेंट के बाद उसको ऑटोक्लेव कर सकते हैं। आइसक्रीम वगैरह खाने से ऐसा होता है, वायरस को डेवलप करने के लिए एक अनुकूल वातावरण की जरूरत पड़ती है। जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो हमारा बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर 37.5 होता है, आइसक्रीम खाने से कम हो जाता है, फिर 35 तक पहुंच जाता है, और इस समय इस जो 30 से लेकर 35 के बीच में वायरस को अनुकूल टेम्परेचर मिल जाता है वायरस को प्रोपोगेट होने के लिए, इसलिए वो एकदम से इन्फेक्शन बढ़ा देता है। ऑल्दो आइसक्रीम खाने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन टेम्परेचर अगर आपके वायरस ऑलरेडी सरफेस पे प्रेजेंट है तो उस समय वो अटैक करके
और म्यूकस के अंदर सेल्स के अंदर प्रवेश करके फिर वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। अदरवाइज आइसक्रीम खाने से इसका कोई ज्यादा संबंध नहीं। Does the liver fat going to be the result of COVID? नहीं, इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया। लिवर फैट गोइंग टू बी रिजल्ट ऑफ कोविड, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। शुड वी यूज फेस मास्क व्हाइल ड्राइविंग अलोन इन द कार? यस, आपको कहीं भी आप फेस मास्क, आप कहीं ट्रेवल भी कर रहे हैं तब भी आपके कण कहीं पे स्टीयरिंग वगैरह पे पड़ेंगे। इट इज बेटर टू वियर द मास्क। सोप इज बेटर देन सैनिटाइजर। मैंने जैसे पहले भी बताया, सोप सबसे अच्छा है क्योंकि सोप वायरस के अलावा बैक्टीरिया को और स्पोर्स को भी मार देता है। ये आपने सही सुना है कि डेक्सामेथासोन है वो इसके प्रभाव को, जो इसके कॉम्प्लिकेशंस को कम करता है, लेकिन इसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है डॉक्टर्स को। तो अगर वो क्राइटेरिया फिट है, अर्ली स्टेज में है और सिकनेस उस लेवल का है, तब वो डेक्सामेथासोन उस पेशेंट में यूज किया जाता है। ऐसे बहुत सारी दवाएं हैं जो लाइफ सेविंग हो जाती है। ऑक्सीजन जैसे लाइफ सेविंग है, मॉनिटरिंग लाइफ सेविंग है। अगर हम सही टाइम पे मॉनिटर कर लें तो पेशेंट को डिजीज प्रोग्रेशन होने से बच जाता है। एक एक्सरे भी लाइफ सेविंग है। एक्सरे में हम या हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन होता है, वो भी लाइफ सेविंग है क्योंकि हम अर्ली स्टेज में पता लगा सकते हैं लंग्स पे इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी हम सैनिटाइजर पे इफेक्टिवनेस और प्योरिटी चेक लैब लेवल पे ही कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च अब होना शुरू हो गया है और कई लोगों ने रिसर्च चाइना में भी किया है कि किस तरह का सैनिटाइजर, कितना परसेंट ऑफ अल्कोहल, कौन से सरफेस पे कितनी देर तक इफेक्टिव रहता है। आई थिंक इसके रिजल्ट अब जल्दी आना शुरू हो जाएंगे और हमें रिजल्ट को साइंटिफिकली एनालाइज करके ही तब एक्शन लेना पड़ेगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन था। अगर कोविड वायरस रहता है तो स्कूल एंड कॉलेज ओपन होने चाहिए, एग्जाम कंडक्ट होने चाहिए, प्लीज रिप्लाई। देखिए ये मैडम सोशल से ज्यादा पॉलिटिकल इसका जवाब डिसीजन होगा, बट मेरा ये मानना है कि स्कूल कॉलेजेस एक हद तक नहीं ओपन हो, लेकिन सिर्फ कोविड के नाम पे हम ओपन नहीं करें, ये भी उन बच्चों के लिए अहित होगा, उनका हितकारी नहीं होगा। हम सोशल डिस्टेंसिंग और कुछ प्रोटोकॉल्स जो प्रिस्क्राइब प्रोटोकॉल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, हम चाहे लिमिटेड रिसोर्सेज बीइंग अ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और इवन बीइंग एन स्कूल, अगर हम उन चीजों को फॉलो करते हुए एजुकेशन को बिना किसी तरह से हैम्पर किए हुए अगर हम चला सकते हैं तो हमें चलाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन हैम्पर होना, एक साल या एक सेमेस्टर या तीन महीने खराब होना, इट गिव अ लॉट इम्पैक्ट। एक बच्चा एक साल फेल होता है, एक साल पीछे होता है, तो आप देखिए कॉम्पिटिशन में कितना पीछे हो जाता है मेंटली और फिजिकली। तो हमें उसको हैम्पर नहीं होने देना है, जिस भी तरीके से हम हमारी एजुकेशन सिस्टम को कंटिन्यू रख सकते हैं। और मेरे हिसाब से इस कोरोना के महामारी में, लॉकडाउन के पीरियड में, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ्स हैं, अदर स्टाफ्स हैं, पुलिस वाले हैं, उसके साथ साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट कोरोना वॉरियर्स रहे हैं वो टीचर्स रहे हैं। उन्होंने लॉकडाउन में चाहे ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करी हो, बट उन्होंने कंटिन्यू प्रोसेस को रखा है, हर बच्चे को, हर सेगमेंट को उन्होंने एक्टिव रखा है इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन पीरियड में। सो अनलॉक पीरियड में भी इसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है, इनिशियल हम ऑनलाइन करें, उसके बाद जैसे जैसे जरूरत पड़े हम इसको टुकड़ों में, बैचेस में, हम इसको ऑफलाइन शुरू करके और प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद सर, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन टाइम की पाबंदी, 12:30 से ऊपर हो चुका है टाइम, तो अब यही हम समापन करते हैं इस वेबिनार का। धन्यवाद सारे पार्टिसिपेंट्स को इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए, और धन्यवाद सारे एक्सपर्ट्स को जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया।
हम ये सारे बर्डन प्रेशर के बाद भी मेंटली स्वस्थ रहेंगे, फिजिकली स्वस्थ रहेंगे और जो है कोविड से बचने की हम जरूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी पार्टिसिपेंट्स।